टैक्सी। गाड़ी मैंने रोकी है। तो खड़ी था पहले मैं ही है। अरे वाह, आवाज तो मैंने लगाई है पहले। तेरे लाती आवाज मार नाल की हुंदा, कल तुरे जाते धर्मेंद्र नु आवाज मार देंगे, तेरा हो जू। शट अप और यू शट अप पिछेर। अरे एक मिनट देखो, सीधे से उठेगा और जोर से धक्का मारूंगी। तो कितना धक्का मारेगी, गाड़ी तेरे प्यो दी है। नहीं तो क्या तुम्हारे प्यो की है गड्डी? ना तेरे प्यो दी है ना इधर प्यो दी है, गड्डी मेरे प्यो दी है। देखिए सरदार जी, आप ही बताइए, आपने मेरी आवाज सुन के गाड़ी रोकी थी? ठीक है पापा जी, आपा दा पंजाब दे आ, इनु की पता दा पंजाबी दा, तू मुकर जो। ओहो, दोनों पंजाबी में बातें कर रहे हो, क्या समझते मुझे पंजाबी नहीं आती? अरे समझती सब, बोल नहीं ठीक तरह से पाती हूँ, बचपन से पंजाबियों के मोहल्ले में रही हूँ, आप कैसे मुकर जाएंगे? ओहो अच्छी गल है, पंजाबियां दी बहुत अच्छी गल है, पर तुसी दोनों ने जाना किथे? मुझे सांता क्रूज जाना। बस आई तुसी किथे जाना? मैंने भी सांता क्रूज जाना जी। ओहो दोनों ने शांता कुल जाना है, शांता कुल बहुत बड़ा है, प्रॉपर किस थान से जाना है? टेंथ रोड अमरदीप बंगलो। भाई तुसी दोनों ने एको थान से जाना है तो बैठो। पर मैं किराया तो दूंगा। ठीक है आधा मैं दे दूंगी। साजे किराया अद्धा तुसी दे दोगे, अद्धा तुसी दे दोगे, इत्थे बॉम्बे आए इत्थे हर चीज शेयर होंदी है। हर चीज शेयर होंदी है, घर दी टीवी नूं छड्ड के। सिरे लाती बैठो जी, बैठो। एक मिनट ठहरो। अबे बह जा अंदर। मेरा नाम चतर सिंह है जी। जी मेरा नाम ज्योति है जी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए जी, मैं सेल्स गर्ल नहीं हूँ, मैं तो आपकी। असि तो जी पेपर च पढ़िया सीगा वी तुहाडे फ्लैट उपर किराए लई खाली है, ओदे लई आया जी। अच्छा अच्छा, ओ की देना गिटमिट करी जानी है, अंदर लेके आ जा, बंदे गल करदे हुंदे है। आओ तुम लोग आओ। सुनो जी, ये लोग आपसे मिलने आए हैं। मैं तुहाडा मकान जी किराए ते लैण आया। ओ ज्यो ज्यो आओ, जुग जुग आओ, इत्थों दा सुबह तो ला के कई बंदे आए ते कई बंदे आके चले गए। इहदा मतलब चार तक किराए ते? नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। असल विच गल इह है कि कुछ बंदे तां मैनूं पसंद है, मेरी मैडम नूं पसंद नहीं, कुछ मेरी मैडम नूं पसंद है, मैनूं पसंद नहीं। सिरे लाती, पर मैनूं पूरी उम्मीद है मैं तुहानूं दोहां नूं पसंद आ जाऊं। वो ठीक है भी, तू पंजाबी पर है, एडजस्टमेंट तो मेरा ख्याल हो ही जाएगी, पर मैनू लगता है मेरे वांगू तेरी भी किस्मत खराब ही है। ओ कैसे जी? ओ जिवें मैं गुजरातां दा भुल के ब्याह करा बैठा, मैनू तेरे घर वाली भी पंजाबन नजर नहीं आउंदी। सुनिए जी, ना तो मैं पंजाबी हूँ और ना इसकी घर वाली, मेरा नाम ज्योति है और मैं भी मकान देखने आई हूँ। कमाल दी गल है, जगह एक ते लैण वाले दो, वो भी इक्को टाइम च। सुनो जी, अगर ये जगह किसी को देनी है ना तो सरदार जी को, इस अकेली लड़की को नहीं। तू मुंडे देख लग रही नहीं है, मैं अकेली कुड़ी देख रहा ये नहीं, मैं तो उन्होंने दूंगा जिन्होंने ज्यादा लोड़ है। सिरे लाती, नाले मेथों बड़ा जरूरतमंद केड़ा हो, मैं लुधियाने सीधा बंबई पहुंचा, इत्थे मैनू एक स्कूल दे विच पंजाबी पढ़ाने वाले टीचर की नौकरी मिल गई है, अज ही 7 बजे मैं ज्वाइन करना, सो मैं बहुत लोड़वंद हाँ, मैनू प्लीज कमरा जरूर दे दिओ किराए ते। देखिए जी, मेरी जरूरत भी कुछ कम नहीं है, मैं अकेली लड़की हूँ, लखनऊ से आई हूँ, मेरे पिताजी का कहना है क्या अकेली लड़की कुछ कर ही नहीं सकती, और मैं उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना चाहती हूँ। ते हुण कड़ा फौड़ियां ते खड़ी हां। जस्ट शट अप। सुनिए, मेरे अगर रहने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं अपने लिए जल्द से जल्द एक अच्छी सी नौकरी भी ढूंढ लूंगी, और फिर मैं अपने पिताजी को दिखा दूंगी कि आजकल की लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। ओ भाई मेरे फार्मूले के मुताबिक सोनू दोनों बराबर की लोड़ है, आ जाओ तुम पहले जगह देख लो। देखो जी, ये फर्निश्ड हाल है, इधर आमने सामने दो बेडरूम है, यही ये कमाल है। आ चिकन है जी, आ किचन है जी, सुई तो ला के जी सिलेंडर तक हरेक चीज मौजूद है जी। असल में जी ये चीज मैं आपके भरा वास्ते बनाई सी, वो इंग्लैंड चला गया, तो इंग्लैंड तो वापस आया नहीं, तो मैं क्या मैं खराब हो जाता, चलो किराए ती चार दे। भाई साहब तुसी मैनू अपना भरा ही समझो, वैसे मैनू मकान तुहाडा बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है जी। है वैसे दा किराया जी 3000 रुपया होएगा जी। ठीक है, मैनू मंजूर है जी। ओए करनिया मास्टरियां, ते रुपया 3000 तू देगा कित्थों? तुसी अंब खाने के दरख्त गिणने आ?
चाहे मैं ट्यूशन करा ते चाहे डाका मारा तुहानू तुहाडा किराया मिल जाए करो। ठीक है अंधा की पाले दो अखा। मुझे भी मंजूर है जी किराया। फिर देखो मेरा फार्मूला है, आई डोंट टेक डिपॉजिट, डिपॉजिट तो मैं लैंदा नहीं, ते किराया मैं हर महीने की पहली तरीक नूं एडवांस चाहिए। जिहड़ा बंदा पांच तरीक तक किराया ना देगा वो सने समान सड़क के विचाले होगा, जिहड़ा बंदा टाइम से किराया दे सकता है वो आराम नाल इत्थे रह सकदा। भाई साहब सिरे ही ला दी गल ये भी अपनी नौकरी तो हैगी पक्की, आपां तां पहली तरीक नूं किराया तुहाडे हथ ते टका दिया करांगे। स्यापा खड़ा तां इधर होना जिहदे कोल नौकरी नहीं, वैसे मेरे हिसाब नाल ना जिहदे कोल नौकरी ना होवे उहनूं मकान किराए ते देना बड़ी चंगी गल हुंदी। व्हाई डोंट यू कीप योर माउथ शट हां। देखिए जी मेरे पास नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, आपको जब मैं किराया दूंगी तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि मैं अपने पिताजी से 6 महीने का खर्चा लेकर आई हूँ, पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को। हाँ? हाँ। आपको आपका किराया मिल जाया करेगा। प्रॉब्लम तो फिर भी हल हुई। हल होगी भी कैसे, पता नहीं सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली थी। शीशा देखा होना सवेरे से। शट अप होने कही जाने स्टेशन तो मैंने चढ़े लोग चिमड़ी पई है, मैं हजे टैक्सी फड़ी सी पता नहीं केड़े वे केली नु आगे चिपक गई। टैक्सी तो पहले मैंने रोकी थी। बैठा तो पहले मैं ही सी। अरे आवाज तो मैंने पहले लगाई थी। ओ शुक्र कर टैक्सी ड्राइवर साडा पंजाबी भरा सी केड़ा तन्नू इत्थे तक ले आया। हां तो को फ्री में नहीं ले किराया था उसने। किराया बड़ा पूरा दत्ता, मसा रो पिट के अद्धा दत्ता। तो तुमने कौन सा पूरा दिया, तुमने भी तो शेयर किया है। वाह आदा कमाल होगी, मेरी सारी प्रॉब्लम ही हल होगी। चलो तुम टैक्सी शेयर कर सकते हो तो रेंट मतलब किराया क्यों नहीं शेयर कर सकते, 1500 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਤੇ 1500 ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਰਹੋ ਕਭੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲੜਾਕੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਓ ਯੂ ਡੋਨਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਡੋਮਿਨੇਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੇਰਾ ਪਰੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਅਰੇ ਸੁਣੋ ਤੁਮੇ ਇਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਚੇ ਬੀਜਾ ਲੋਕੋ ਮਗਾਮ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੋਨੋਂ 6 ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਜ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਮਕਾਨ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਐਡਵਾਂਸ ਜੇਬ ਚ ਪਾਵਾਂ। ज्योति जब तक नौकरी का और दूसरे मकान का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक तो इसके साथ रहना ही पड़ेगा। लगता जब तक कोई दूसरा इंतजाम नहीं होगा एक कमली जी नाल दिन कटी करनी ही पड़नी है। तो जवाब दियो भाई मंजूर है तो फिर ठीक है, तुम अपने अपने बेडरूम संभालो, थके होंगे असि अगे उन्होंने जवाब देंगे। आओ जी चलो चलिए। ये बेडरूम मेरा समझे? ठीक है वो मेरे वाला। से भीगे चन्न। अरे मम्मी ने जीन्स भी रख दी, सो स्वीट, मैं तो भूल ही गई थी। ये तो मेरी नहीं है। हाँ तो मेरी कमीज ये नहीं है दी। ये तो बास मार रहा है। बदमाश ने मेरी पेटी भी बदल दी। लगता है चाम चढ़े मेरे नाल चाची केस बदल गई। तब ना आज इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। चल कमरे पेटी को टांग तोड़ दे रे मनुष्य। ले तो ले तेरे तेरे तेरी बच्चे पत्नी मैं कपड़े के तेरे अभी कौन चला ये मेरी है। ये मेरी है। मैं कुछ पेड़ मारूं बच्चे। मैं आज पेड़ मार दूँ। ये मेरी है। बताइए मैं ठहर जा। तो ये किसका? मैं तेरे यार की बदतमीज लड़की नहीं लेती। सिरे लाती जच रहा है चतर सिंह, और पर्सनैलिटी तो तेरी पहले ही बहुत आ, पर हम सोचने वाली गल है जो पहले दिन क्लास में अपनी इंट्रोडक्शन कि नहीं है गल कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स नहीं पंजाबी का टीचर है पंजाबी च अपना वेरवा दे। प्यारे विद्यार्थियों मेरा नाम चतर सिंह है ते मैं पंजाब तो तुहानू पंजाबी पढ़ाने लई इत्थे आया ते इस तों यार नर्वस क्यों घबरा रहा किहड़ा है मेरी क्लास है छोटे छोटे बच्चे ने गल तां कुछ नहीं बस पहले दिन करके थोड़ा जिहा घबरा रहा अदरवाइज गल तां चलिए फिर क्या बात। सुनो ओ पहले दिन ड्यूटी ते चलिया सी निकलदे नूं मत्थे लग गई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਮਸੇ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰੇ ਲਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਜਦ ਹਮ ਇਹ ਫਲੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਲਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕੁਛ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹਮੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਕਿ ਬਰਤਨ ਤੁਮ ਧੋਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗੀ
टॉयलेट तुम साफ कर देना, झाड़ू कट का तुम करोगे, फर्नीचर मैं झाड़ दिया करूंगी। अरे ला दी, एक ही काम रह गया फिर तो। वो क्या? ये रोटियां मैं थप दिया करूं तो डफ तू दिया करी। क्या मतलब? मेरा मतलब खाना मैं बना दिया करूं, तू छक लिया करियो। मैं भी वही कहने वाला हूं। सुबह की चाय, नाश्ता और दोपहर का खाना ये तुम बनाया करोगे। तो जनाब होने की गल है फिर? जब शाम को तुम ड्यूटी पे जाया करोगे तो रात का खाना मैं बना दिया करूंगी। ठीक है फिर मैं चले स्कूल, बच्चे पढ़ाऊ, 10 बजे वापस आऊंगा तो मेरे आने रोटी बना के रखी। रोटी बना के रखी। कमन सरदार चतर सिंह। सरे लाती कमाल है मैडम, तुम कि पता लग गया कि मैं जाने के सरदार चतर सिंह आ रहा। ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 7:01 ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਨਾ ਕੱਟਦੀ। ਓ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ। ਯੈਸ ਮੈਡਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਮੈਡਮ ਸਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗਿੱਠਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੋਏ। ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਪਰ ਮਿਸਟਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ। ਯੈਸ ਮੈਡਮ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ? ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ ਮੈਡਮ, ਆ ਫਿਰ ਘੜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆਉਗੀ? ਐਕਸੀਲੈਂਟ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਿਸ? ਆਮ ਨਾਟ ਮਿਸਿਸ, ਆਮ ਮਿਸ, ਮਿਸ ਬਸੰਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਆਏ ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੋਗੇ? ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਆਇਆ? ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ, ਹੋਰ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ। ਸੋਚ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਭੱਬਾ ਹਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜੇ ਊੜਾ ਊੜਾ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਲੇ ਭੱਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਪਰਵਿੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਵਲ, ਜੱਜੇ ਪਰਵਿੰਦ ਦੀ ਜ਼ਾਵਲ ਤੇ ਖੱਖੇ ਪਰਵਿੰਦ ਦੀ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹਰ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟੀਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉੱਤਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਉੱਤਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਡਮ, ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਈ ਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਆਟਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਦੇ। ਚਲੋ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਆਈ ਮੀਨ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਰੂਲਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ, ਇਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲੋ। ਪਲੀਜ਼ ਜਨਾਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈ ਮੀਨ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਨਏ ਟੀਚਰ ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਡਮ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
मेरा मतलब बच्चे कितने दे जिन्हें मैं पंजाबी पढ़ाउनी है। I mean where are my students? सरदार चतर सिंह ये मजाक दी गल नहीं है, ये सब कमकार वाले बंदे ने। इहदा मतलब मैडम असीं ये वेले तुरे फिरदे हां? ये गल नहीं चतर सिंह, ये सारे किसी ना किसी मजबूरी करके पंजाबी सीखने आए ने। मैडम मजबूरी नाल कोई चीज सीखी तां की सीखी, ये तां सीखण लई इंसान नूं अंदरों शौक चाहिए। चलो ये तां हुण मजबूरी करके आ ही गए ने, देखना ये है कि तुसीं इन्हां नूं किन्ना शौक जगा सकदे हो। कोई गल नहीं, विखा देंगे। चंगा संभालो अपनी क्लास। थैंक यू। हाँ भाई बहु भी बहु बहु समझ दे रही यार। ओए बैठ जाओ, आई कैन सिट डाउन। लो फिर सब तो पहला मैं तुहानू सारिआं नूं अपना वीरवा दे दिआं। सरदार होणा नूं मिस्टर चतर सिंह कहिंदे आ, ते आपां तुहानू सारिआं नूं इत्थे पंजाबी पढ़ाउणा है। ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਆਪ ਕਿਆ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਵਹੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਜੋ ਤੁਮ ਯਹਾਂ ਸਿੱਖਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਆਇਓ ਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਇਓ ਹਮ ਆਪਕੋ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮਸੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਬੋਲਤਾ ਜੀ, ਹਮਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਤਾਂ ਹਮ ਇਧਰ ਕੈ ਕੋ ਆਤੀ। ਹਮਸੇ ਜੋ ਵੀ ਪੂੰਗੀ ਬਜਾਨੇ ਕਾ ਹੈ, हिंदी में बजाने का है। पुंगी हमारे पंजाब में नहीं बजाया जाता, हमारे पंजाब में तो अलगोजा बजाया जाता है। शार, ए, अलगोजा तो होता है। अलगोजा होता है, उसको मुंह में एक तो इस तरफ डाला जाता है, दूसरा इस तरफ डाला जाता है, फिर ऐसे उंगली बजाया जाता है, और दूसरी भाषा में आप इसको डबल बंसरी भी कह सकते हैं। गांडा जैसी बात है। ए कुड़िये मास्टर नु गाली निकालती है। मास्टर मास्टर गाली नथी, गांडा जैसी बात એટલે अजीब और गरीब बात करता है। ओ सरे लाती, मैं तो डर गया, मैं पता नहीं की कहता। हां गांडा तो याद आया, हमारे पंजाब में पंजाबी में प्याज को क्या कहते हैं? गंडा। अय्यो प्याज बोले तो? अय्यो कांड बोलता जी, हमारी नकल करता है, हमारी कॉपी करती है। ओहो भाई, क्लास में कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा, ये बात बहुत बुरी है। चलो इसी बहाने एक बात और सीखने को मिली कि हमारे पंजाब में नोटबुक को भी कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओहो कॉपी, कॉपी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बातों ही बातों में सरदार जी ने आज आपको पंजाबी के दो अक्षर समझा दिए, एक तो ये कि गंडा यानी प्याज कांधा, और दूसरा कॉपी यानी नोटबुक। इससे पहले कि आज हम पढ़ाई शुरू करें, तुम सब लोग आपो अपना मुझे वेरवा दें। सर हम तो वेरवा घर से नहीं लाए। जरे लाती, मैं मंगया वेरवा शायद बीबी समझ बैठी वेरना। ओए भाई बीबा, जो वेरवा होता है वो लेने देने वाली चीज नहीं होती, वेरवा एक दूसरे को जानने और बुझने को कहते हैं। जानने बुझने? ओहो इका मतलब है इंट्रोडक्शन बा। ओह परिचय। यस यस, तो ऐसा है, सबसे पहले तुम ही मुझे अपना वेरवा दो। अमन नाम हम मुनमुन सिंह। मुनमुन सिंह? मैं कांटे तो सोची ना कि बूथी जानी पिछानी लग दिया। ओ बीबा कहीं तुम पिक्चरों में काम तो नहीं करती? यस सर। ससुरा, तो भाई हम सोचत रही कि खूबसूरत बॉडी और ये खूबसूरत चेहरा हम कहाँ देखत रहे? अरे तोरी तोरी वो फिल्म थी ना अंदर बाहर, आई अरे वो देखे खातिर तो हम सिनेमा हॉल में सोमवार तमा हो रहे। तो ऐसा है, आज रात जब क्लास खत्म होगी तो तुम मुझे अपना वो ऑटोग्राफ देना, और कल फोटोग्राफ मैं अपने पिंड निके न्याणों को भेजूंगा, तो देख कर बहुत खुश होंगे। निके न्याणे के मतलब? हाँ भाई, ते पंजाबी में छोटे बच्चों को निक्के न्याणे कहा जाता है, और गांव को पिंड कहा जाता है। पिंड? ओ पिंड नहीं, पिंड। ओ पिंड। हाँ यस।
आप आगे बढ़ो जी। सर हम हिंदी फिल्म के साथ भी बहुत बांग्ला फिल्म भी किया है। मगर आप पंजाबी क्यों सीखने चली आई? इसलिए क्योंकि मैं एक पंजाबी फिल्म में हीरोइन के रोल मिले हूँ। और पंजाबी हीरो कौन है उसमें? वो कोई गो गो गिल। ओए गो गो गिल नहीं, गुगु गिल, गुगु गुगु। इसलिए मैं सोच रही थी कि उसको माँ बाप उसको गो गो गिल क्यों बुलाए, एंड फिर भी दो बार। बराबर से छोकरी, ठेके माँ बाप ने दो दो बार एक ही नाम रखो है गो गो। थारे माँ बाप ने भी थारो नाम दो दो बार रखो है मुन्मुन। मुन्मुन शट अप। शट अप। यू शट अप। यू शट अप। तुसे दोनों ही शट अप। अरे मारो आवाज थारा सी पर मोटो है। भाई तू भी मोटा है, तेरा आवाज भी मोटा है ना। शट अप। सिंध चला जाएगा। हाँ, उनका वेरवा तो हो गया, अब तुम जो पीछे बैठे हो अपना वेरवा दो। बड़ी साई मुंजो। मुंजो? मुंजो मतलब मैं। मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि पंजाबी में मुंजो मांझने को कहते हैं। मांझो? मांझो पतंग? मांझना मीन साफ करना। अरे थारे की फटकुरी बात करे मारा यार। लो एक अखर मैंने और नया सिखा दिया आपको। तुम आगे बोलो भाई। बड़ी मुंजो नालो है, पाओ मल खाओ मल सजनानी। तो अड्डी जनानी तो अड्डे नाला जाने के सजनानी। बड़ी साई काय को मेरे थर्ड नेम का पोस्टमार्टम कर दाएंगी। ओ सर नेम, मैं समझा कितने तुम कह रहे हो सने जनानी, क्योंकि हमारे पंजाबी में जनानी तीवी को कहते हैं यानी के औरत को। ओ जी ओ जिसका मुकदमे किधर है जी? अरे चुप बैठो ना, नेपाल से आ गया है किधर से पंजाबी सीखने। हम बताता है ना, देखो हमारा है ना दुकान कोलीवारा में है। हमारी दुकान में मिर्ची से लेके नारियल तक सभी चीजें बिकती है, लेकिन वहां ज्यादातर आप जैसे सरदार जी मतलब पंजाबियों की बस्ती है ना, वो लोग अपनी भाषा में अपनी चीजें मुझसे मांगते हैं। दुकान में वो चीजें पड़ी है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है तो मैं बोलता हूँ भैया माल नहीं है, तो वो चीजें पड़ी पड़ी सड़ जाती है, धंधा नहीं होता है, इसलिए हम पंजाबी सीखने आया है। कोई बात नहीं, सिखा देंगे सिखा देंगे, बैठ जाओ तुम। अच्छा जी। अब तुम उठो भी अपना वेरवा दो। मैं मारो बरवो ए है कि मारो नाम नटवर लाल, जात मारवाड़ी, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करू हूं। अब मारो ट्रांसफर पटियाला में हो गया है। अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है जी, मुश्किल मुश्किल। वो क्यों भाई? वो इसलिए कि वहां की भाषा पंजाबी है और पंजाबी मने नहीं आवड़े। अब भाषा नहीं आवड़े तो मैं बात करूंगा कैसे, और बात नहीं करूंगा तो फिर कमाऊंगा कैसे? अरे तुम सरकारी नौकर हो, काम करना है, तनख्वाह मिलनी है, बात करनी आवे चाहे ना आवे। आप नहीं समझे, आप मेरी भाषा नहीं समझे तो वो लोग कैसे समझेंगे, और वो लोग नहीं समझेंगे तो कमाई आवेगो कैसे, दो नंबर की रिश्वत आएगी कैसे? सिरे लाती, पंजाबी तो पंजाबी से के पंजाबियों में थोक लोड़ चले हैं। क्या बोलियो? आ कोई नहीं बजा। आ बराबर। अब तुम बोलो पुंगी वाले, तुम्हारा वीरवा क्या है? आम श्री देवी जय प्रदा पिल्ले। श्री देवी जी जय प्रदा जी पिल्ले जी, तुम क्यों पंजाबी सीखना चाहती है जी? I mean. अरे क्या मीन लगाया जी, जरा खोल के बता दो ना। What खोल के? ओ खोल के नहीं, I mean openly. What is the reason? Reason जरा sexy है जी। ओ सर, वो reason sexy इसलिए है क्योंकि reason वाली sexy है। चलो, मैं क्लास में ऐसी बातें पसंद नहीं करता। आप बोलिए जी। हमको एक पंजाबी लड़के से प्रेम हो गया जी। हम चाहता है हम अपना अंदर का फीलिंग्स उसका सामने पंजाबी में एक्सप्रेस करें। हम ऐसे करेगा तो वो हमको गले लगा लेगा। लगा लेंगे ना जी? अरे तुम तो किसी भी भाषा में किसी को भी बोलो और दो ही मिनट में तुम्हें गले लगा लेगा। और हमारा क्या है, हमें तो परस्तो भी चलेगी। चुप। मैंने पहले भी बोल दिया था मैं क्लास में डिसिप्लिन भंग नहीं होने दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, मेरा पंजाबी सीखने का मकसद श्री देवी जयप्रदा पिल्ले के बहुत नजदीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें
पंजाबी लड़के से प्यार हुआ है और मुझे पंजाबी लड़की से। शर्मे मेरा एक सुलझाव है, श्रीदेवी जाए पता पिल्ले और सदानंद तुम अपने पंजाबी लड़की का सेक्रीफाइस करो, तुम अपने पंजाबी लड़के का सेक्रीफाइस करो और दोनों आपस में शादी कर लियो नी, कम से कम यहाँ तो भीड़ कम होगी हैं और हम लोग जल्दी पंजाबी सीख जाएंगे ने। आई एम ऑब्जेक्ट सर, मुझे एतराज है। आई एम द टू ऑब्जेक्शन सस्टेंड। सर समझा दीजिए, सिंधी को प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अरे बड़ी साई, प्रपोज करने में क्या बुराई है ने, हमने तो खाली सलाह दिया ने, करना नहीं करना तुम दोनों के हाथ में है, अगर तुम रिफ्यूज कर देगा तो थोड़ा हम सोचेगा। तो चुप है, बैठ रह ले। नहीं इधर से अच्छा, लंदन लंदन कैसा ठंडा है। किन्नियारी बोल रहा है कि बिना पूछे के बीच में टांग मत उड़ाया कर, तुम निक्के न्याणे तो होगी कि तुम्हें मैं मुर्गा बना दूं। अब तुम बोलो बीबी जी कि तुम्हें पंजाबी सीखने की तकलीफ क्यों करनी पड़ी। ये कमला तो समझ आ गया, ये बेन और शू सने जिनानी जैसे कहीं आपका ये सरनेम तो नहीं। सर ये गुजराती लोग हर आदमी के साथ में भाई और औरत के साथ में बहन लगाते हैं, चाहे कोई भी रिश्ता हो। तो जब तुम बोलती रहो जी। मास्टर ये हमारे दिकरे का बहू है ना, वो पंजाबी है, वो पंजाबी में हमारे साथ बहुत प्यार से बात करता, पर लोग बोलता ये बातों नहीं करती, हमको गाली देता है। वो हमको बोलता है माँ जी हम तुम्हारा संगीत दबाएगा। अब ये संगीत क्या होता है? वो संगी गले को बोलते हैं, जड़ के गर्दन को। ओ परी, ओ मेरा गला दबाने को बोलते? वो भी रे, घरे आऊं छु पछी तारू गड़ू दबाऊं छु। अगर वो चंगी नू नहीं बन सकी, तुम तो अच्छी सस बन के दिखा दो। नू सस? ओ भाई नू दा मतलब हुंदा बहू, ते सस का मतलब होता है सास। ओ कमीनी नू, हम सस। लो तो सब नू इनकी बातचीत से पंजाबी के दो अक्षर और सीखने को मिल गए, नो ते सस। आप तो खुश हो ना, समझ गई, बैठ जाओ। हाँ भाई तुम जो कॉर्नर में बैठे हो जरा अपनी तरीफ बताओ मुझे। हमारा नाम रामू है, हम एक पंजाबी फैमिली में काम करते हैं, पर तकलीफ यही है कि हमें पंजाबी नहीं आते। वो कहा हुआ कि एक दिन हमें सरदार जी बोले कि बूहे ताकियां बंद करके सोई जाओ और कह के चले गए, तो हम टेलीविजन और रेडियो बंद करके सोई गए। वो तो अगले दिन जब चोरी हुई गई और रेडियो टेलीविजन भी चोरी हुई गया, तभी हमें मालूम पड़ा कि बूहे ताकियां दरवाजे और खिड़कियों को कहते हैं। बस तभी से हम ठान लिए कि अगर इनके ही नौकरी करनी है तो हमें पंजाबी सीखने का ही पड़ी। सिखा देंगे सिखा देंगे। धन्यवाद। अब तुम बताओ भी तिरछी टोपी वाले तुम्हारा वेरवा क्या है? आम उशार, हमारा नाम है खीम बहादुर थापा कांचा। कांचारे प्यार तेरा नेपाल जाए यहाँ पर काम ढूंढने को, अभी कहीं काम नहीं मिला। तू हम क्या बन गया? वॉचमैन बन गया। क्या बन गया? वॉचमैन भगत सिंह कॉलोनी में। भगत सिंह कॉलोनी में कौन लोग रहता है? पंजाबी लोग रहता है। अभी वो साहब पंजाबी लोग हमको इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि हमने कसम खाया कि जिंदगी भर काम करेगा तो उधर ही करेगा और कहीं नहीं करेगा। इसलिए जहाँ पर काम करने का है वहाँ का भाषा तो आना बनता है ना, इसलिए हम पंजाबी सीखने को यहाँ भी आया है। अरे भाई तुम्हारा वेरवा भी उस कोने वाले से मिलता जुलता है, हमारे पंजाबियों की सेवा करनी है, कोई बात नहीं पंजाबी सिखा देंगे सिखा देंगे। कोई रह तो नहीं गया वेरवा देने से? अब तुम्हारा वेरवा क्या है जी, तुम भी बता दो। सर माय नेम इज जसबीर कौर बट माय पेरेंट्स कॉल मी जूली। कमाल, नाम जसबीर कौर और माँ को जूली कहते हैं, तुम्हारे दोनों नाम मुझे घुमनगिरी में डाल रहे हैं। सर ये कुमनगिरी क्या है? कुमनगिरी होता है पंबर पूसा। पंबर पूसा इका होता है? कुछ बताऊंगा सर। पंबर पूसा मतलब क्या बोलते हैं उसको? पसूड़ी पसूड़ी पसूड़ी। सर ये मसूड़ी के बारे में तो सुना था, ये पसूड़ी क्या होता है? ओ यार तुम लोग समझते क्यों नहीं, पसूड़ी का मतलब होता है यानी के कंफ्यूजन कंफ्यूजन। हाँ तो जुल्ली और फिर जसवीर कौर जी, पहली घुमनगिरी तो ये है कि तुम जसवीर कौर होके भी निरी हो। निरी? नो 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 नॉट निरी, जूली।
निरी कोई निकनेम नहीं है, निरी का मतलब है कि तुम पंजाबन हो के भी पंजाबी में खोखली हो, यानी के निल हो। दूसरी घूमण घेरी ये है कि जसवीर कौर का निकनेम जस्सी तो हो सकता है मगर जुल्ली नहीं हो सकता, क्योंकि जुल्ली हमारे पंजाब में किसी चीज को ऊपर ओढ़ने को कहते हैं, यानी के जैसे चादर हो, रजाई हो, कभी सुना नहीं आपने रोटी कपड़ा और मकान। सो इसी तरह पंजाबी में कहते हैं कुल्ली जुल्ली गुल्ली। सो इसी बहाने आपने आज तीन अक्षर पंजाबी के और सीख लिए, कुल्ली जुल्ली गुल्ली। अब जसवीर कौर मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये शौक पंजाबी सीखने का कैसे आया? अमेरिका, लंदन, कनाडा में बहुत से पंजाबी हैं, उनको सब कुछ मालूम है, डिस्को, रैप, सब कुछ, लेकिन पंजाबी नहीं मालूम, सिर्फ 10% को आता। मेरी सहेली ने मेरे को पूछा, तुम पंजाबी हो कि नहीं, तुमको पंजाबी नहीं मालूम? I felt very bad, sir. मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पंजाबी जरूर सीखूंगी। शाबाश, sit down. इसे कहते हैं देर आए दोस्त आए। अगर सुबह का पुला शाम को कार आ जाए तो लोग उसे पुलिया नहीं कहते, अरे तुम तो फिर सात समुद्र पार करके आई हो। मगर दुख मुझे इस बात का है कि हमारे ही देश के पंजाबी बोलने वाले भाई बहन अपने बच्चों को पंजाबी से बहुत दूर रखते हैं, मगर खुशी आज इस बात की हुई है कि हमारे देश के अलग अलग प्रांतों से अलग अलग भाषा बोलने वाले भाई बहन पंजाबी सीखने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मेरा मन आज बड़ा प्रसन्न हुआ है। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का दिन तो हमारा बेरबा लेने देने में ही गुजर गया, मगर फिर भी हमने आज बहुत से पंजाबी अक्षर सीखे हैं, जैसे गंडा, प्याज, निके न्याणे, तीनी, मांजना, सफाई करनी, कापी, नोटबुक वगैरह वगैरह। हाँ, मैं जाते जाते आपका एक छोटा सा टेस्ट लेने जा रहा हूँ। टेस्ट ये है कि जितने भी आपने पंजाबी के अक्षर सीखे हैं उनको एक लाइन में फिट करो, यानी कि मेक दी सेंटेंस। कौन बताएगा आप में से? सर, अब मेरे पड़ोस में निक्के नाने शोर मचाते हैं। चलो ठीक है पहले दिन के लिए, मगर उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ है सर। चलो तुम बताओ। हमको पंजाबी निक्के न्याणे दा तीनी होना जी। ओ, पंजाबी निक्के न्याणे का नहीं, पंजाबी मुंडे का तीनी बनना। अयो, पंजाबी मुंडा हम बनाऊंगा। चल तू जोर लाला। हम तोरा तीनी मांझ के न्यानों को दे दिए हैं। अच्छा किया, अच्छा किया। थैंक यू। अरे मुल्लू, मैं इसने तुम्हें क्या कहा? नहीं जी, थोड़ा समझ में आया, थोड़ा ऊपर से गया मैं। और अगर मुल्लू पड़ जाता तो तुम उसके बूथे पे एक चंड मार देते, यानी कि थप्पड़। चंड वो का है? हम तो इतना ही बोले ना कि हम तोरा प्याज लेके धोए धाए के बच्चों को दे दिए हैं बस। ओए तीवी प्याज नहीं होता, जनानी होती है, जाने के घर वाली। जनानी? साला तुमने हमारा जनानी को धो धा के हमको दे दिया। हमने बता क्या है? जनानी को अंदर नहीं धोया, तुम्हारी जनानी को कहाँ धोएंगे? अरे क्या धोएगा साला, मतलब नहीं। चुप, बैठा बैठा। हमारा मतलब नहीं था। अरे तुम भी बैठो। अरे क्या बैठे साला, बैठा था खड़ा कर दिया। देखो गड़बड़ मत करो। अरे गड़बड़ करेगा तो तुम क्या कर लेगा? अरे क्या गड़बड़ करेगा? अरे भाई भाई आ तुम वहां से जवान ले लो। अरे जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी करो। सो हो जाएगा। क्या से नहीं था? काम भाई तो सभी कैसे आदमी भर रहा है आपने? बैठो सर। अब एक लफ्ज मुंह से निकाला है तो हम डालेंगे। हम नहीं बोलेंगे उसे। चुप हो जा। ये सोगरा बिल्कुल क्या दिए थे? अरे क्या दिया था? एग्जांपल दिया था। मार मार के आदमी की मार। फिर बोले ना, देखो प्रभास साहब से चुका है तो। लगन कैसा है? ठंडा ठंडा है। आप बोलिए। साला चांस मारता है। कौन बोला? नहीं, मैं नहीं बोला। अरे लाती। अरे चिट्टे तांदे हसन नहीं हो रहे, लोकी फेरे शक कर दे नी। Ah, 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 ah.
गल सुन, मैं तां चीक मारी सी, मैनू शीशे च ऐ लगे जिवें नीडा आ गया हुंदा सिंगर वाला, किवें उपर टीने च फिट करी फिरदी आ। भला तू क्यों चीक मारी, कदे सरदार दत्त नूं करदा नहीं देखिया? देखा लेकिन चड्डी पहन के करता हुआ नहीं देखा। सिरे लाती गोडिया तक फंट वाला कजहरा पाया है, हजे उन्हूं चड्डी दसदी है। बकवास बंद करो, चलो निकलो बाथरूम में से बाहर। ज्योति गल है, अज पहले मैनूं जाण दे, मेरे ढिड च वट पै रहा। कोई नहीं, वट वट पै रहा, तुम निकलो, मुझे जाना पहले। तय हुआ था कि पहले मैं बाथरूम यूज करूंगी। तय नूं की करां, जो पै गया हुण जा रहे मेरे, जा जा के मेरे लिए नाश्ता बना। नाश्ता लिया तो बड़ी रजी है सुल्तान लई। सरदार चतर सिंह। ओह वेलकम मैडम, वेलकम वेलकम। बैठो बैठो। थैंक यू। की गल है सरदार चतर सिंह, आज तुहाडा टाइम वेखण वाला यंत्र खराब हो गया या गिठा छोटियां हो गई ने? पर जिदा दे रंग बिरंगे स्टूडेंट्स मैडम तुसी मैनू टकराया ना, लगदा होमवर्क किते बिना गुजारा मुश्किल है थोड़ा। मैं तुहानूं पहला ही कहा सीगा इन्हां सारिआं नूं पंजाबी पढ़ाना बहुत मुश्किल है, अपनी थोड़ी जी ना बिगाड़ लवा। देखो क्लास का टाइम हो गया, मैं हम क्लास लैन जा रहा। नहीं नहीं इतना ही बैठो, मैं स्टूडेंट्स इतने स्टूडेंट्स इतने। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चतर सिंह। यस मैडम, मैनू बंदे थोड़े थोड़े हम चंगे लगन लग पे। पर मैडम मैं बंदा नहीं है, मैं मुंडा। मैं तुहाडी गल नहीं कर रही। लगदा है बुढ़ी बणूं दी सूढ़ी। एक प्राइवेट गल। प्राइवेट गल मेरे नाल? हां जी। तेरी प्राइवेट गल। मैनू ए दसो इस नौकरी दे विच तैनू कितना पगार मिलता है? ठीक है, गुजारा हो ही जांदा। गुजारा होता है ना, ऐश नहीं होती है। पता है ऐश नहीं होती है। हां ऐश करनी है तैनू? ऐश तैनू करनी है। की मतलब की है तुहाडा? मेरे पास एक जॉब है की जी। अच्छी जॉब है? बढ़िया जॉब है जी, खालसा कॉलेज दे विच एक पंजाबी प्रोफेसर की सीट खाली पड़ी है। इत्थे मैं तैनूं जॉब ला के दे सकता हूं। कोई सिफारिश है तुहाडे कोल? सिफारिश है जी, सिफारिश है, प्रिंसिपल से लेकर चेयरमैन तक सबको मैं जानता हूं जी, सब मेरे खींचे हुए हैं। तो प्लीज दबा दो ना, नौकरी दबा दो मुझे। 10,000 दे दो। और 10,000 रुपया? तू मेरे तो रिश्वत मांग रहा है? शायद तेनू पता नहीं मैं रिश्वत लैण दे ते रिश्वत देण दे कितना खिलाफ हां। गुरु जी हांजी, तुसी समझ गए? तो ना समझण मैं कोई मूर्ख हां? नहीं वो तो नहीं है, आप नहीं है। हाँ। लेकिन तुसी समझ गए कि मैं रिश्वत मांग रहा सी? आहो समझणी है। ओ जी मैं निकल गया गुरु जी, मैं निकल गया, मैं पास हो गया जी, मैं पास हो गया। क्योंकि मैं पेपर लिया नहीं, पास का तो जो हो गया। ओ जी देखो मैं रिश्वत लेने की प्रैक्टिस करिया सी और तुसी समझ गए कि मैं रिश्वत ले रहा जी, मैं पास हो गया। पटियाले दे विच जब मेरी ट्रांसफर होगी तो मैं आराम से रिश्वत ले सकूंगा। और बल्ले 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 मैं पास हो गया गुरु जी। जेड़ी गल मैं नहीं समझाना चाहुंदा सी तू वो भी सीख गया। हां जी। पर मैनू खुशी इस गल दी आ कि तैनू पंजाबी सीखण दा शौक किन्ना पैदा हो गया। ओए मेरी जित जित। सॉरी सॉरी गुरु जी, तुसी ग्रेट हो। ठीक है ग्रेट, तुसी ग्रेट हो। मन मन गल मिलने दो, बस बस मन गल मिलने दो जी। बैठो ते बैठो। मैं जब मारवाड़ जाऊंगा वहां से 1 किलो देसी घी ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਟੇ ਲਿਆਉਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਂ। ਬੈਠ ਬੈਠ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
पता ही नहीं है भी टीचर नाल किवें गल कर रही है। नॉनसेंस यार, तुहानू सब नू होमवर्क दिता सी कि अपने घरों पंजाबी विच अपनी मां ते ऐसे लिख के लियाओ। सब लिख के लियाओ सिरे लाती। हाँ तो मिस्टर पाओमल, सबसे पहले तुम अपनी मां पर ऐसे पढ़ के सुनाओ। मेरी मां का नाम बसंत कौर है, सरदार बंता सिंह दी कुड़ी है, ते संता सिंह दी घरवाली। मेरी मां के दो बच्चे हैं, एक मैं एक मेरी बहन प्रीतो। सारी मां सानू बहुत प्यार करती है, असी सारे मां नू बहुत प्यार करते हैं। लंदन ठंडा ठंडा है, चल लंदन ठंडा ठंडा। हाँ तो बहन जी, अब जरा तुम पढ़ के सुनाओ वहां पर ऐसे क्या लिखा है। मेरी माँ का नाम बसंत कौर है और सरदार बंता सिंह की कुड़ी है, ते संता सिंह की घरवाली है। मेरी माँ दे दो बच्चे हैं, एक मैं ते एक मेरी। बस बस बैठ बैठ बैठ, की काम मरा गया। एक चांस और लिए। हाँ भाई मनमोहन जी, जरा तुम पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है ऐसे। मेरी माँ का नाम बसंत कौर है, वो सरदार बंता सिंह जी की कुड़ी है, ते संता सिंह दी घरवाली है। मेरी माँ दे दो बच्चा हूँ, एक मैं ते एक मेरी बहन प्रीतो। हाँ, सारी माँ सानू बहुत प्यार करती है, असी सारे भी माँ नून बहुत प्यार करते हैं। हाँ भैया, हाँ भाई, होर किदी किदी मां दा नाम बसंत कौर है ते प्यो दा नाम सरदार सिंह। सिरे लाती, हुण तुसी मैनूं आपणे आप दस दिओ सारा घरवाला है की आ सारिआं नूं पाला मुद्दा मुद्दा ओए मुद्दा मुद्दा हुंदा। आई मीन मैं सब दी खड़कैती कर देणी आ। सर मां दी खड़कैती? हां खड़कैती पै 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 खड़कैती हुंदी आ। मेरा मतलब मैं थल्ले थल्ले ओह मुर्गा वांगणा। ओई शाह शाह शाह, हटो हटो हटो, मुर्गा इधर आओ शाह। को मुर्गी से बहुत डर लगता है। आपको शाह शाह बोल आए, ये शाह शाह तो है ना, ये पाऊ बोल आए। उसमें क्या कसूर है? मैं तो पंजाबी में ठीक ठीक लेके आया था ना। प्रेमे ठीक लेके लिया सी। पहला मैनू आए दस तेरी मां का नाम बसंत कौर, प्यो का नाम संता सिंह किवें हो गया? हां ये थोड़ा गलती हो गया। क्या है ने, हमारे घर के बाजू में एक पंजाबी रहता है ने, उसको मैंने बोला कि माँ का लेख लिख के दे। उसने अपने माँ बाप के नाम से मेरे को लिख के दे दिया। अभी क्या है, मैं अपने माँ बाप का नाम उसमें चेंज करना भूल गया ना। लेकिन ये सारे बुद्धू लोग, वो भी अपने माँ बाप का नाम चेंज करना भूल गए। उसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर से चुगली खा के मेरे को पकड़वा दिया। मास्टर जी, ये हमसे 10-10 रुपए लिए है ऐसे बेचने के। क्या करेगा, हमारे घर में बिजनेस है ने? खड़ा जा। होता है ने, खड़ा कहो गया। नहीं, कुर्सी पे खड़ा जा। हाँ, आओ बोलो ना, ऊपर खड़ा हो जा। हाँ। खड़ा होता है, घर में बीवी भी खड़ा करती है। क्या कर रहा है बेटा? क्लासरूम के बाहर आओ, मैं सबको देख लेता हूँ ना। हाँ हाँ, तुम भी आ जाना। क्या नहीं देख रहे, बाकी सबको देखेगा। नहीं, किसी को नहीं देखेगा, अपने आप को देखेगा पापा। ओ शट अप, यू आर सिडम सिडम। क्या भाई, तुमको किसने बैठने को कहा? आपने तो बोला सी डाउन है। नहीं, बाकी सबको कहा बैठो। बाकी सबको डाउन, हमको आप? हाँ तो बच्चों सीधे बैठो। आज मैं सबको स्त्री लिंग पुलिंग के बारे में बताऊंगा, ते एक वचन ते बहुवचन बारे भी एक ही होते हैं। सर, ये बहुवचन क्या होता है जी? यार मुझसे पूछिए क्या होता है जी। अमिताभ बच्चन का बड़ा भाई बहुवचन। छोटे मुंह तेरे सिडम। स्त्री लिंग पुलिंग की हुंदा? जिस तरह आदमी दा स्त्री लिंग हुंदा औरत, ते बिल्ली दा पुलिंग हुंदा बिल्ला। हुण तुहाडे जो कौन दसेगा कि कुत्ते दा स्त्री लिंग की हुंदा? सदानंद तू ही दस। कुत्ते का
कुतिया? ओए कुतिया हिंदी जुंदा पंजाबी जुंदा कुत्ती। ओ कुत्ते। हाँ भाई घोड़े दा तू दस भाई। घोरी। ओए घोरी नहीं घोड़ी। घोरी। घोड़ी। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं। छड़ यार तेनू नहीं आ सकदा। सुनाई नहीं देता लगता है। मोरदा। मोरी। मोरी नहीं मोर दा स्त्रीलिंग हुंदा मोरनी। मोरी साडे पंजाबी च कहंदे आ गली नूं भी। अय्यो गली। स्ट्रीट। 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 अच्छा अच्छा। मुंडे दा। मुंडी। मुंडे दा हुंदा कुड़ी। हेलो डियर स्टूडेंट्स ए सीगे स्त्रीलिंग पलिंग। हुण इस तों बाद मैं तुहानूं दसांगा भी एक वचन तों बहुवचन किदां बनाईदे ने। हुण देखो मेरे हाथ विच की है सोटी। एक सोटी है मेरे हाथ विच तां असीं कहांगे मेरे हाथ विच एक सोटी है। जे ज़्यादा होणगियां तां की कहांगे सोटियां। सो इहदा की मतलब होया कि सोटी दा बहुवचन होया सोटियां। इसे तरह छतरी दा बहुवचन होया छतरियां। हुण तुहाडे जो कौन दसेगा के कौली दा बहुवचन की हुंदा। तू दस भाई। कौलियां। ठीक है मगर कौलियां नहीं हुंदा कौलियां। कौलियां। ओए कौलियां। कौ 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 कौलियां। कि मैं करोड़ के दसदा। थाली दा। थालियां। वेरी गुड। मुंडे दा। मुंडियां। ओए मुंडियां नहीं मुंडे दा हुंदा बहुवचन मुंडे। कुड़ी दा। कुड़े। ओए कुड़े नहीं कुड़ियां। मुंडे मुंडा कुड़ी कुड़ियां ये हमारे बस का रोग नहीं है। ओए तू बैठा नहीं चुप करके। हाँ तो विद्यार्थियों हुण असली इम्तिहान दा टाइम आ गया। हुण ये दसो भी सूर एक वचन है क बहुवचन। सूर एक वचन है। अरे नहीं नहीं खटवंडू बहुवचन। एक सुर होता है तो कहते सुर और बहुत सारे होते तो कहते सुरे। सरे लाती सदके जाइए तेरे मोटे दिमाग दे। ओए सुर एक वचन भी आ ते बहुवचन भी आ। वो कैसे? हुण देखो ए एक सुर जा नहीं एक सुर जा रहा तां असीं कहांगे सुर जा रहा है। हुण बहुत सारे सुर जा रहे ने फिर भी असीं यही कहांगे सुर जा रहे हन। तो होया कि नहीं? सो सूर एक वचन भी आ ते बहुवचन भी आ। हुण कौन दसूगा तुहाडे चों भी पजामा एक वचन आ क बहुवचन आ। मैं बताता हूं। तू दस भाई। पजामा एक वचन भी है बहुवचन भी है। ओ किदा होया भाई? देखो सर पजामा ऊपर से एक वचन है नीचे से बहुवचन है ना। दिख 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 सर घंटी बज गई मैं नीचे उतर जाऊं। तू एक शर्त से ले आ सकदा। पहले सारे दे 10-10 रुपए वापस कर। मैं 10 रुपए किधर है खाली 5-5 रुपया बचा है। लो जी इतनी सजा काटी उसका 5 रुपया वसूल नहीं करूंगा। आखिर सिंधी आदमी हूं ना। बाबा 5 रुपया दियो नहीं। 5 भी किधर है खाली 2.5 बचा है ना। नहीं नहीं मेरा मतलब है 2.5 तो हमने वो कॉपी करने के लिए दिया ना फोटोस्टेट कॉपी है तो खाली 2.5 बचा ना। नहीं देता है जा कर लेगा। दादागिरी नहीं मांगता है। दादागिरी नहीं करने का। तुम अच्छा आदमी है कैंटीन में चलो सबका चुपता कर देता है ना। कैंटीन में देता। तुम्हारा जैसा आदमी हमको सिंध में भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा जैसा कंजूस हमको मारवाड़ में भी नहीं मिलेगा। लंदन छोटा हमारा है चलो ने बड़ी तुमको घर में बुलाए मिलाएगा। बड़ी चौड़ी हो कहती सी रात का खाना मैं बनाया करूंगी। हुण कित्थे गई तेरी जवान? इधर मेरे ढिड दे चूहे भी गाला कढ़दे होणे भी सारा लंघ गया। हुण तक रोटी नहीं खिला सकिया। कोई शर्मिया है कोई टाइम आउण दा? सच दस कित्थे गई सी तू?
तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? ओ मैं कौन हूं ना? ओ मैं तेरे नारे जगह शेयर की थी है, मैं तेरा फ्लैट पार्टनर है। फ्लैट पार्टनर हो, कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो समझे? ओए तेरे अर्गी दा लाइफ पार्टनर बनके मैं सिर च सुआ पौनी हां। क्या कहा? कहना किया, भूख लगी रिया, तू जिथे जाना हुंदा जाया कर, कम से कम रोटी तो ला जा कर। रोटी 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 जब देखो तो रोटी की बात करते रहते हो। रोटी 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 के अलावा तो दुनिया में और कुछ होता ही नहीं है। तेरे लाती भूख सानू लगी आ ते रोण ए लगी आ। भूख 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 लगी है तो मुझे खा जाओ। तो तेनू खानू मैं आदमखोर ना? आई एम टोटली वेजिटेरियन हैं। ये तो सच्ची मुची रोई जाती है। ज्योति, ए ज्योति क्या है? तू तो नौकरी लपण गई सी? हां गई थी, दो दो नौकरी देखने गई थी। एक जगह नौकरी की बात हुई तो वहां के जो बॉस था ना उसकी नियत बहुत खराब थी तो मैं नौकरी ठुकरा कर चली आई। चंगा कीता, थैंक यू। नाले ऐसे था तेरे नौकरी करनी भी नहीं चाहिए। पापा इनू की मुंह दिखाएंगे क्या? कुछ नहीं, फिर क्यों आया? फिर क्या, फिर मैं मायूस होकर दरिया किनारे चली गई। सुसाइड कर? नहीं रे, सोचने के लिए। वहां बैठे बैठे मैंने सोचा कैसे कब तक चलता रहेगा, मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। बस यही सोचते सोचते रात हो गई। फिर मैं वहां से निकली तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? एक बदमाश ना उसने मुझे पकड़ लिया। हाँ। और मेरी कीमत पूछने लगा। फिर क्यों यार? फिर क्या, फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। फिर थप्पड़ मारने के बाद मैं भाग के चली आई घर। अरे दी इतनी हिम्मत, जे किते मैनु टक्कर जवे ना मैं तो करदा सारे डेले डेले। लगदा अद्धी रात नूं मेहर चंद बोर करन आ गया। ओ भाई साहब सुनो सही, तेरी ओए बड़े फरमाश दी। सिरे ला दी इक मुक्के ने करता रहा घोगा चित। फिर अरे बा ओए की कीता? करना की सी, कुड़िया नु छेड़दा सी सजा दे दी। बा मेरे मिट्टी के शेर, तुम तो दारा सिंह से भी मैनू सारी चीज दस के आया। पहले तेन लड़की समझता सी, पर जो तुम पुछ गए थप्पड़ मारिया ना तो यह समझ गया भी तू शरीफ लड़की है। और मावे मगर वास्ते आया भी मैं फर्ज पूरा कर। चंगा फर्ज आ, कुड़िया नु फड़ के उन्हां दी कीमत पुछो। मेनू सिरे ला दू, कुट तो बड़ी बड़ी पऊगी। पंजा किधर चलो, तेन मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मेरी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना। मैं लैन लाड है, तुम ऐ करो जमात मेरे ते किताबा चाहना, इस करके हल्दी वाला दुद्ध मैं एडवांस पी लिया। कहने जागवा के मेरे ब्लड निकलना उसे मैं पहली बार ला 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 जनाब हो चार जनाब हो चार मन ला जनाब हो चार जनाब 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 मैं
मैनू माफ कर देना भैन जी। नहीं नहीं, जब बहन कह दिया आपने तो मेरी एक बात मानेंगे? की? आप इस बेचारे को माफ कर दीजिए। हूं तो माफ करना ही पैना, जब तुसी भैन हो तो जीजा बड़ा निकलिया। What nonsense! हैं? ये मेरा पति पति नहीं है। ए, ए, मेरी पोती नहीं है जी। फिर तो मैं नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। पति नहीं है तो क्या हुआ? जाने दीजिए, फिर भी इसे माफ कर दीजिए आप। ठीक, जब तुसी कहंदे हो तो माफ कर देना। जाओ फिर, माफ किया। ओए मैं क्या भाई साहब, ये तो इंस्पेक्टर जान पछाण वाला लग रहा, नहीं तू तो अज मन जा गया सी, तेरे तो लगाई हुई सी आपा तो बंबई चाहिए रिलेशन रखे हुए भाई साहब। सरेई लाती सरेई लाती, रात के 11 बज गए ते भेड़ जी का हजे तक थौ पता नहीं भी कहे कट्ठे खूह च गई आ। आप तो जिथे ढके खाले खाई जाए ना सानू कहू भुखा मार दी। आ गई आ। ओए मैं क्या आ गई है? हाँ आ गई। उदो तो बड़ी चौड़ी हो कहती थी रात का खाना मैं बनाया करूंगी, हुण कित्थे गई तेरी जवान? इधर मेरे ढिड दे चूहे भी गाला कढ़दे होणे आ वी साला नंग जिहा, हुण तक रोटी नहीं खड़ा सकिया। कोई शर्मिया है? कोई टाइम आउण दा? सच दस कित्थे गई सी? तुम कौन हो तुम मुझसे ये सब पूछने वाले? ओ मैं कौन हूं ना? ओ मैं तेरे नाले जगह शेयर की थी, मैं तेरा फ्लैट पार्टनर हूं। फ्लैट पार्टनर हो, कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो, समझे? ओए तेरे अर्गी दा लाइफ पार्टनर बनके मैं सिर च सुआ पौनी आ। क्या कहा? कहना की आ, भुख लगी रही आ, तू जिथे जाना हुंदा जाया कर, कम से कम रोटी तां ला जा कर। रोटी रोटी रोटी, जब देखो तो रोटी की बात करते रहते हो। रोटी 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 के अलावा तो दुनिया में और कुछ होता ही नहीं है। तेरे लाती भुख सानू लगी आ ते रोण ए लगी आ। भूख 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 लगी तो मुझे खा जाओ। तो तेनू खानू मैं आदमखोर ना? आई एम टोटली वेजिटेरियन। हैं ये तो सच्ची मुची रोई जाती है। ज्योति, ए ज्योति क्या है? तू तो नौकरी लभण गई सी? हाँ गई थी, दो दो नौकरी देखने गई थी। एक जगह नौकरी की बात हुई तो वहां के जो बॉस था ना उसकी नियत बहुत खराब थी, तो मैं नौकरी ठुकरा कर चली आई। चंगा किया, थैंक यू। नाले ऐ जे तो नौकरी करनी भी नहीं चाहिए थी। पापा जी नु की मुंह दिखाएंगे? क्या कुछ नहीं, फिर की होया? फिर क्या, फिर मैं मायूस होके दरिया किनारे चली गई। सुसाइड कर? नहीं रे। हाँ। सोचने के लिए वहां बैठे बैठे मैंने सोचा कैसे कब तक चलता रहेगा, मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी। बस यही सोचते सोचते रात हो गई। फिर मैं वहां से निकली तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? एक बदमाश ना उसने मुझे पकड़ लिया। हाँ। और मेरी कीमत पूछने लगा। फिर क्यों हुआ? फिर क्या, फिर मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। फिर थप्पड़ मारने के बाद मैं भाग के चली आई घर। अरे दी इतनी हिम्मत, जे किते मैंने टक्कर जवे ना मैं तो करना सारे डेले डेले। आई मीन कॉल डोडे। कॉल डोडे क्या होता है? अखा आंखे। अच्छा अच्छा, अरे तुम उसकी क्या आंखें निकालोगे, वो तो बड़ा खतरनाक सा आदमी है। खतरनाक है? चलो फिर रहने दने। लगता अद्धी रात नूं मेहर चंद बोर करन आ गया। एक्सक्यूज मी, यही है, यही है वो बदमाश जिसने मुझे छेड़ा था और मेरी कीमत लगाई थी। ओ भाई साहब सुनो, सही तेरी ओए बड़े बदमाश दी। लुचा लफंगा ही कौन हो सकता है? लेकिन यही तो वो आदमी था जिसने मुझे छेड़ा था और मेरी कीमत पूछी थी। ओए मैनू सारी चीज दस के आया, पहले तैनू ये अरागे लड़की समझदा सी, पर जों तू पूछ के जब थप्पड़ मारया ना तो ये समझ गया कि तू शरीफ लड़की है और ओ माफे मंगने वास्ते आया सी कि मैं ओ फर्ज पूरा करया। वा चंगा फर्ज आ, कुड़ियां नू फड़ के उहनां दी कीमत पुछो।
तेन मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मेरी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना, मैं लैन लाड है। तुम ऐ करो ऐ करो ऐ करो, पहले ना इन्हें होश लेने हैं, ऐ करो दूध लियाओ हल्दी आला, ते नाल बर्फी ते लड़ियां लियाओ, छेदे लियाओ जी। अभी लाई तू मेरा टेनमेंट है, मैं तेरी प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं तेरी प्रोटेक्शन नु चटना वा, और मेनू ता इस अन्ने माफ नहीं करना। अन्ना की ने होया ओए, अन्ना की होया सुनया नहीं, कानून अन्ना हुंदा ते जेड़ा कानून वाला बंदा हुंदा वड्डा वाला अन्ना हुंदा। मैं तेरे ते जमात भी नहीं होनी, मेनू लगदा मैं रेस करवाएंगा। हाय ओनु की बनाउंदे आ, मेनू बना बर्फ बना। ओए तू तेरे वास्ते सी, ए तू ना पीया आप इस बेचारे को माफ कर दीजिए। हूं तो माफ करना ही पैना, जब तुसी भैन हो तो जीजा बड़ा निकलिया। What nonsense! ये मेरा पति अति नहीं है। ए, मेरी पोती नहीं है जी। फिर तो मैं नहीं 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 पति नहीं है तो क्या हुआ? जाने दीजिए, फिर भी इसे माफ कर दीजिए आप। ठीक है, जब तुसी कहंदे हो तो माफ कर देना। जाओ फिर, माफ किया। ओए मैं क्या भाई साहब, ये तो इंस्पेक्टर जान पहचान वाला दिख रहा, नहीं तू तो आज मन जा गया सी, ते तो टकाई हुई सी कि आपा तो बंबई च अजे रिलेशन रखे हुए भाई साहब। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। ऐसी जी केड़ी गल है जेड़ी देरी नहीं हो सकती, इस वेले हो सकती है ना जी? ये काम सुबह नहीं हो सकता, सुबह से होती है ना। देखो जी, तुम शायद मैं गलत समझा, मैं इस तरह का बंदा नहीं है। लेकिन मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। पैसे देने के लिए तैयार? तुसी मैनू समझिया की है जी? पंजाबी का एक अच्छा टीचर, मैंने सुना है आप पंजाबी बहुत अच्छी सिखाते हैं, मैं आपसे पंजाबी सीखना चाहती हूँ। ओह, बच्ची ट्रेनिंग ले आती सी, मैं समझा पता नहीं की गल है ना जी। पंजाबी सीखनी सी तो देने भी सीख सकते हो, एक ना चोरी है भी रात को सीखनी है ना। गल है जी भी इस वे गल ठीक जी नहीं होंगी, तुसी एक इज्जतदार औरत हो तो मैं एक इज्जतदार छड़ा। छड़ा? ये छड़ा क्या होता है? छड़ा जी साढ़े पंजाब च कुआरे नु कहंदे जिहदा व्याह होया होवे, आई मीन बैचलर। अच्छा, तभी वो रोज मुझसे कहते हैं कि मैं छड़ा रह जाता तो अच्छा था, मैं छड़ा रह जाता तो अच्छा था। देखना अब सुबह मैं भी उनसे कहूंगी कि मैं छड़ी रह जाती तो अच्छा था। देखो जी, ये तो थोड़ी आपसी गल है, जिवें मर्जी करी जाओ, पर मेरे हिसाब नाल ना इस वेले आना ठीक नहीं है। मैं जे कोई सौ देख लवे तो बदनामी बहुत हो सकती है, प्लीज। ये इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल ना ये मेरे को, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। बताए यहाँ सभी क्या हो रहा है रात को 1 बजे? ये हमारे आपस की बात है, तुम्हें इससे मतलब? अच्छा, तो आपस में बातचीत भी शुरू हो गई? ज्योति दरअसल गल है, रात को 1 बजे वो भी? मैं क्या गल है यार कि लगता मेरे चाची आ गया, तुसी दोनों जानिया इथो जाओ, कि वो मेरे सिर च खेह पौन लगी, वो मेरी बहुत बदनामी होगी, प्लीज तुसी जाओ इथो। मैं क्या और तू इथे? वो भी इस तरह 1 बजे जी, वो रात 1 बजे तूने मच्छर नहीं लगाई थी? यही तो मैं इनसे पूछ रही थी। तो आपकी बीवी का कहना है कि इनके आपस के दोनों की बात चल रही है। हले 4 दिन हो गए इन्हें आपसे में गल्ला शुरू हो गई, बातें भी शुरू हो गई,
किसने सच किया थी भी चमार बंदर मेरे मकान किराए करा दियो सही है और मेरे चांद जी मैं तो तुम दस रहा हूं तुम्हारी ना 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 इनको नहीं बताना है ना बताओ जो है मैंने ना दस दियो मैंने कदे पुला लग जे मैंने कदे मैं हो रहा भी हो जे गा सुन मेरी गल सुन ला सरदार जी तू जरा सामान चको और चल दे बनो और शुक्र करो भी मैं तुम्हें गेट आउट नहीं किया मैं टीचर की इज्जत करता है मैं तुम्हें गेट आउट नहीं किया और मैं मेरे चाचा जी तुम्हें कही जा रहा है तुम्हें गलतफहमी हुई है गलतफहमी हुई है अरे ठीक पने की भी हद होती है साहब ये देखिए हमारे कान सुन रहे वो गलत है हमारी आंखें देख रही है वो गलत है और ये दोनों सही है कंड की तेरे बड़े में सुनते हैं और बल्दी की तेल पाई जानी है मैं चाची मैं तुम सारी गल दा दियो दा दे की दसेगा मैं ते की दसेगा मैं गल दसेगा छोड़ता लो मैं कहिया हां छोड़ ला गल ए हां कि ते रोटी घर वाले मेरे को सिर्फ पंजाबी सिखण आई सी ताकि तुहानू खुश कर सके ते पंजाबी रात नु पढ़ाउनी है ते दिने तू हाथ हाथ नहीं आउंदा और मैं यही तो मैं तुम कहया सी जे पंजाबी सिखणी है तो मेरे को दिने सिख लिया कर मैं सारी दिहाड़ी बेला हुंदा भी रात नु ना आया कर ना आया कर लेकिन अगर मैं दिन में सीखती तो इनको पता चल जाता और मैं पंजाबी सीख कर इन्हें सरप्राइज देना चाहती सरप्राइज देने फिर दी तू किलू किलू सरप्राइज देती फिरेंगी पहला दे मां बाप को सरप्राइज देता और मैंने सरप्राइज देने फिर दी मैं भाई से पंजाबी सीखने आई थी सिरे लाती और नवी रिश्तेदारी कर ली मैंने भाई कहता और तक खुश हो ओए बिरला दे आया तो मैंने भाई कह दंदी है तू तो तुमने खुश करना चाहती थी और तुमने जो के मुझ पे शक कर रहे हो मनु नहीं जाती देवी हो बीच मैं ना कोई कर ली मैंने मुझे हाथ लगाया इससे तो अच्छा था कि मैं छाई रह जाती छड़ा छड़ी ये ना मतलब खाली इतना तक पहुंच चुकी है ये ना मतलब सरदार जी पहला लेसन नहीं ये सोन मस्तार मा लेसन है दस ना वे मैंने वजह थी आई मैंने सोन में लेसन तक पहुंच गए मैं के सरदार जी गल खोल के सुन लो और वो गल ये है कि पंजाबी रु मैं भी साथ रहता सी पर पंजाबी मैं ता नहीं सुनदा कि जब मैं गुस्से लेके नु गा करदा ते हाजिर रहंदी है ते मेनू सुना लंदा रहंदा ते जे मैं भी समझ लागी ता मेरा लड़ाई करूंगी इस वास्ते तू चाहे 9 बजे दे रात 10 बजे आ जा चाहे पिछले पैसे वो ढेर दे दे पर इन पंजाबी ना सिखाई और अगर इसने फिर पंजाबी को सिखाई तो तेरे फिर दूसरे बोले जाके ये सर के बेचारे ते तेनू मैं गल कर ली थैंक यू थैंक यू बहुत खुश होनी है बेचारा किस्मत है बढ़िया ਇਹਦੀ ਖੀਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦਲੀਆ ਘਰੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੁੜੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਸੀ ਆ ਰੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖੁਦ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਮੁਰਮੁਰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਓ ਮੁਰਮੁਰ ਸੈਨ ਜੀ ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ सिरे लाती और कल मेरा पंजाबी शूटिंग है तो मैं चाहती हूँ कि आज मेरा पंजाबी डायलॉग्स प्रैक्टिस कर लेते हैं जी आज की ने देखी है तुसी हुने करो वही तो मैं चाहती हूँ इसलिए मैं आज फोन किया है आप फ्री हैं फ्री ना भी होइए तो अडले दी टाइम कटांगे ना और किधर ही कटांगे इफ यू डोंट माइंड मैं अभी आ जाती हूँ यू आर मोस्ट वेलकम जो मर्जी आओ जुग जुग आओ घर तुहाडा ही है थैंक यू सर किराया तो दिया नहीं जाता मोस्ट वेलकम तोड़ा ही घर है खुले ही आ जाओ ना तो कह लिए ये मेरा टेलीफोन क्यों सुनती थी किल्ली किल्ली का क्या मतलब किल्ली का मतलब होता आई मीन ज्योति अरे तू तो इस वेले नौकरी लभण चले जानी हुनी है आज इथे पहला पाई जानी है गई क्यों नहीं अज तक अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी अरे मैं भी तो देखूं कि तुम अपनी मुनमुन से इनको कैसे पढ़ाते मेरी गल सुनो मेरी स्टूडेंट है ते मैं उहदा टीचर है मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और जे उहनूं इत्थे आ के पता लग गया मैं इस मकान दे विच कल्ला किसे कुआरी कुड़ी दे नाल रहना मेरी तां स्टूडेंट्स नाल बहुत बदनामी हो जूगी रब दा वास्ता मैं तेरे मूहरे हाथ जोड़दा प्लीज चली जा इत्थों अरे बोलने से क्या होता है हाथ जोड़ के बताओ आले मेरी बेबे मैं तेरे मूहरे हाथ बन्ने तू जा व्हाट डू यू मीन बाय बेबे बेबे मतलब बेबी प्लीज जाओ ना बेबी ठीक है मैं तैयार होके जाती हूं लेकिन हां वो तुम्हारी मुन मुन सेन के आने से पहले जरा अपने आप को ढक लेना थैंक यू मुन मुन आ गया मुन मुन सेन आ तो शुक्र है चली गई वेरी गुड मॉर्निंग प्लीज कम वेलकम वेलकम इतने
सर आपके बहुत बड़ा मकान है। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ अकेले रहते हैं? बस समझ लो एक छड़ा छड़ांग ही है। छड़ा छड़ांग होता है पंजाबी च, आई मीन कल्ला। अच्छा ये है मेरा हिंदी पंजाबी फिल्म की डायलॉग जो कल गोगो गिल के साथ करना है। गुगु 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 गिल के साथ। अच्छा 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 इन्हें बारे तुसी गल कर रहे सी फोन पे। अच्छा आ डायलॉग तुसी गुगु गिल नूं कहना भी जीतिया मैं तेनू बहुत प्यार कर दी। हाँ ठीक है हो जाएगा। अच्छा अच्छा जीता आई मीन गुगु भी तुहानू कह रहा भी सोनीए मैं तेनू बहुत प्यार करता करता हाँ हाँ जीत मैं तेनू बहुत प्यार कर दी हूँ। सोनी मैं भी तेनू बहुत प्यार करदा। क्या कर रहे सर? मैं नहीं कर रहा सी, ते गुगु गिल कर रहा सी क्योंकि जट्टा नू प्यार करन दा स्टाइल इदां दा ही हुंदा। सर यस अगले डायलॉग बोलो प्लीज। तू मेरे नाल वादा कर कि तू मेरे साथ जिंदगी भर निभाएगा। मैं तेरे नाल वादा करदा सोनी है कि मैं तेरा साथ जिंदगी पर निभाऊंगा। आपने घुमाया क्यों? मैं थोड़ा घुमाया, ये था गुगु गिल ने घुमाया। ओह कि पंजाब की हीरो बहुत घुमाती है। अच्छा चल इस बार बिना घुमाए डायलॉग बोल दिया ठीक है बोलो। तू मेरा वादा कर कि मैं तू मेरे साथ जिंदगी भर निभाएगा। मैं तेरे ना ओए वादा करदा सुनिए कि मैं तेरा साथ जिंदगी भर निभाऊंगा। अब फिर घुमा दे। एक तो केली बहुत तंग करी जा रही है। क्या मेरा मतलब डायलॉग ठीक नहीं सिचुएशन है ना खड़के बैठ के बोले डायलॉग ठीक है। हाँ बैठ ऐदा भी डायलॉग दे विच ना थोड़ा जा इमोशन चाहिए प्यार चाहिए। ऐदा करो तुसी मेरे हाथ विच ना आई मीन गुगु दे अपना हाथ थोड़ा जा प्यार झलक होनी चाहिए प्यार की ऐदा तो गुगु गिल अपना जो दूसरा हाथ है वो ऐदा रखेगा है ठीक है ना। हुण तुसी डायलॉग बोलो। तू मेरे नाल वादा कर कि तू मेरे साथ जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैं तुहानू की दसा की हो गया। इट्स टू मच टू मच। ज्योति बाहर निकल बहुत ड्रामा हो गया बाहर निकल। हाय सर के मैं की दसा तुहानू एक कौन है मैं नहीं दस सकता तुहानू। मैं बताती हूँ आपको मेरा नाम ज्योति है और ये फ्लैट जो है ना हम दोनों शेयर करते हैं। मुन्मुन जी इनका कहना है कि अगर हम सबको बता देंगे कि हम लड़का लड़की शेयर करते हैं फ्लैट तो सबको गलत समझेंगे। दिस इज नॉट फेयर। नो सर बॉम्बे में तो सब शेयर करते हैं और मैं भी शेयर करती हूँ। आप भी शेयर कर रही हैं सर इलाती। हाँ मैं सुन रही जी थे मनमन सैन जी आई हुई है जी। मैं सुन रही थे मनमन सैन जी आई हुई है जी। आई आई यहाँ ये मनमन मनमन सैन जी नमस्कार जी। सानू देख के बड़ी खुशी हुई जी। मेरा नाम मेहर चंद है जी। मैं इतना लैंड लॉर्ड है जी मतलब मान मकान जी ये मेरे किराएदार है जी। सुनिए जान दे के मतलब जी मेरे को ट्यूशन पढ़ना है जी। ट्यूशन पढ़ना है जी और तेरे मैं मकान किराए दे दिता है ट्यूशन करने वास्ते दिता। जे ट्यूशन करेगा तो तुम्हें किराया ला लूंगा। मैं थोड़े नाल पहले दिन गल कीती सी भी किराया पहली दी पहली मिल जाए करूं चाहे मैं ट्यूशन करके करा। अच्छा तो खैर कोई गल नहीं। मैं कहा मनमन सैन जी वैसे पंजाबी मैं भी जानता जी ते पंजाबी मैं भी पढ़ा सकदा जी लिखना पढ़ना ते बोलना मैं तीन चीजें बहुत शानदार सिखाउंदा जी। ए तुसी मेरे तो सीख लो जी ए मैं बिल्कुल सुनो मुफ्त सिखावांगा जी। उन्होंने गलत जा गई जी उन्होंने पंजाबी कितने पढ़ानी आँदी है जिन्होंने पंजाबी पढ़ानी आँदी होगी उन्होंने घर वाली मेरे को पढ़े। मैडम
पर मैडम हूं तो बहुत मुश्किल हो जानी है क्योंकि मेरी क्लास पंजाबी च बहुत अगे निकल चुकी है। इस गल की तुसी चिंता ना करो, मैं स्टूडेंट का टेस्ट लिता है, उसकी पिकअप बहुत तेज है। ठीक है, जे तुसी सैटिस्फाई हो तो मैं भी मुश्किल हो सकती है। ठीक है ठीक है, कुड़ियां पहला। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अज प्रिंसिपल मैडम ने मैं दसिया कि एक नवा स्टूडेंट क्लास में आ रहा, तो मैं की दर्शन कर सकता हूँ, कौन है? सर इनका भी वेरवा लीजिए ना। सर ये वेरवा क्या होता है? वेरवा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम ज्योति है, मैं लखनऊ से आई हूँ, बेचारे डैडी को वहीं छोड़ आई। सर मेरी बदनसीबी देखिए, जो फ्लैट मैं शेयर कर रही हूँ ना, वो एक सरदार के साथ शेयर करना पड़ रहा है मुझे। सर मैं आपको क्या बताऊं, वो आदमी इतना बड़ बोला है, इतना बड़ बोला है कि जब देखो तो बड़ 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 ही करता रहता है, और वो भी पंजाबी में। अब बताइए भला मेरी पंजाबी क्या समझ में आए। सर आप मुझे एक बार पंजाबी सिखा दीजिए, फिर देखिए सर मैंने भी उस सरदार को तीर की तरह सीधा नहीं कर दिया ना, तो मेरा नाम भी ज्योति नहीं है सर। नखरो ओदे कोली सिख लेना सीगा। अरे सर शक्ल से तो वो बिल्कुल अनपढ़ लगता है, उसे कहां पढ़ना लिखना आता होगा, मुझे तो वो बिल्कुल जाहिल लगता है, गंवार लगता है सर। ठीक है बैठ बैठ। जी थैंक यू सर। आज दा होमवर्क बड़ा ही इंटरेस्टिंग सी, मेरे ख्याल सब ने पसंद भी किया होना, तो सारे तैयारी नाल आए होंगे क्योंकि तुहानू सब नू नकल मारन दी जो आदत है। मैं तुहानू कहा सी तुसी सब ने करो तैयारी करके आनी है, चाहे पंजाबी चुटकला सुनाओ, चाहे गीत सुनाओ, चाहे कविता सुनाओ, चाहे शेर सुनाओ, चाहे रट्टा मार के आओ, चाहे टेप रिकॉर्ड तो सुन के आओ, मेरा ख्याल सारे तैयारी नाल आए होंगे लगता तुहाडे चेहरे तो। करिए शुरू फिर। हाँ भी सब तो पहला कौन सुनाएगा? सर तुसी सुनाओ। हाँ एक जोक है जी, मैं बस दे विच सफर करिया सी, कंडक्टर आया, कंडक्टर ने कहा कि टिकट के पैसे दो। मैंने कहा लो जी हाफ टिकट के पैसे। कहा क्यों भाई हाफ टिकट क्यों? और जी मैंने आधी पैंट पाई है। कल फुल पैंट पा के आवांगा तो फुल टिकट ले आवांगा। तो अब तू कल नंगा आएगा तो क्या तू फ्री में सफर करेगा? हाँ जी तुसी सुनाओ कुछ। जदो खेरे वाले सियालदा दे हीर नू थके शाही ना वायो लगे, ते थके हजारे दा मिर्जा फकीर हो गया, ते हीर ने मिर्जे तो बिछड़ों दे दुख बिच गा गा के अपनी डोली विले चांगिया मारी दे। सरे लाती ओए हीर ने रांझे नू कसूड़ी पाई सी, तां सुनिया सी, आ मिर्जे नू भी पाई सी, इहदे बारे अज पता लग्या। हाँ तो तिरछी टोपी वाले तुम क्या सुनाना चाहते हो? आम ओ आम इठो जोक सुनाता है। ओ आम पशु रोड ते ऊपर ज्यादा बैठी, उधर बहुत मोटा शेर सी, ओ छोटा बच्चा नू कुटदा पिया सी, ओ बच्चा रोंदा सी, रोंदा पिया सी, मोटा शेर उन्हू माँ की भैन की गाली निकालना पैसी। हमको थोड़ा बहुत कुछ आया, हम बोला वो शेर तू थोड़ा बच्चा वो क्यों कूटता है, क्यों कूटता है, छोटा बच्चा मर जाएगा भाई, तू ना कूट। बोला ए गोरखा तुम जाओ अपना काम करो, ये बसेगा और मेरा बीस का बात है। मैं बोला यार छोटा बच्चा बेचारा मर जाएगा, इसको ना कूटो भाई ना कूटो। वो बोला ये बड़ा बदमाश है, इसने मेरे को एक साल पहले गेंडा आख्या सी गेंडा। मैं बोलिया तू एक साल पहले आख्या सी गेंडा, तू आज कूटता है बड़ा पागल है। वो बोला है मैं भी करा, मैं गेंडा देखा याद है। सर मेरी बारी सर। बारी तो तेरी ठीक है मिस जुली, पहला मैनू आए दस कि तू स्कूल चाहिए कि स्विमिंग पूल चाहिए? आई मीन आई द कम इन प्रॉपर ड्रेस। चाओ सर मैं नहीं सुना। नहीं माइंड करने वाली गल नहीं, मैं तो सुझाव दिता सी, वैसे ड्रेस ता भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सर। कोई सुनाओ गीत प्लीज सर।
काला जोड़िया कुंजे ना लड़े आए हुए कि छोटा देवरा भाभी ना लड़े आए हुए काला जोड़िया कुंजे ना लड़े आए हुए छोटा देवरा तेरे दूर भाई वे नल सोनिए तेरे एक पर जाई वे काला सब समझ गए ना साहब जरे लाती ये इतना भी पर जाई होगी तो उन्हें चीका मारनी है मेरी बात सेंट ऑफ सेंट ऑफ तारीफ कर रहे हम भी सुनाएंगे लगता है डार्लिंग ते तो डरनी दफ्तरों डायरेक्ट में ते आया करनी लगता है डार्लिंग ते तो डरनी क्या बात है दफ्तरों डायरेक्ट में ते आया करनी और सुने लगी तू तो गुड नाइट करके सुने लगी तू तो गुड नाइट करके ऑफ साडे दिला वाली लाइट करके और कुछ हमरा भी तो तू ख्याल करनी दफ्तर डायरेक्ट में ते आया करनी सारे ने फ्रेंड हमको चुंडू आदते ए सारे ने फ्रेंड हमको चुड्डू आखते पर केयर न कर रहा मैं किसी की तेरे वास्ते ओ कितना ओबीडिएंट मैं ते तेरा वरनी दफ्तर डायरेक्ट मैं ते आया करनी वाह भाई वाह अरे बात है क्या बात है तू तो प्लेयर सिंगर है हां तो पाव मल जी हां जी सभी लोगों ने अच्छे अच्छे गीत सुना दिए अब तुम थोड़ा माहौल चेंज करो कोई जोक वगैरह छोड़ो अच्छा मैं जोक सुनाऊंगा आपको बहुत फिट निकला है लेकिन सर आज तक जितने लोगों को मैंने जोक सुनाया है ना वो सभी लोग मर गए हैं आप मेरा जोक सुनना पसंद करेंगे नहीं कभी फिर सुन लेंगे ठीक है सुन लेंगे ऐसा है भैया अपना तो काम हाँ हाँ तो सदानंद कोई ऐसी बात छोड़ो जिससे आ जाए सबको आनंद सर सदानंद का मतलब ही यही होता है कि सदा सबको दे आनंद लेकिन सर एक बात मैं आपको बताऊं कि ये पावन जब भी कोई जोक सुनाता है तो लोग मर जाते हैं लेकिन सदानंद जब भी कोई बात सुनाता है लोग डर जाते हैं वो कितना भाई वो ऐसे ओए सच्चे फांसी चढ़ते देखे हो ओए सच्चे फांसी चढ़ते देखे झूठा मौज उड़ावे ढाई रुपया खा गया सबका हाँ मैं और सच्चे फांसी चढ़ते देखे झूठा मौज उड़ावे पावमल कहे ये रब दी माया मैं कहता अन्याय एक मैं झूठ बोलिया कोई ना एक मैं कुफर तोलिया कोई ना कोई ना मैं झर को बस कोई ना कोई ना कोई ना एक मैं हाँ तो कमला बहन तुम क्या सुना रही हो पंजाबी में हमारा बहू है ना बहू वो हमारे आजू बाजू घूमती है ना तो एक गीत गाती है अच्छा वो सीख लिया हम सीख लिया सुनाओ फिर सुनाते हैं कौन सा गीत है सस मेरी ता बड़ी कपटी बिना गाड़ ना बोले हाँ हाँ बिना गाड़ ना बोले सस मेरी ता बड़ी कपटी बिना गाड़ ना बोले नी मैं है नी मैं सस कुटनी नी मैं सस कुटनी कुटनी संडू का ओले नी मैं सस कुटनी अच्छा है ना तेरे लाती हाँ तो मिस पिल्ले तुम भी सुना दो कुछ मैंने गाना लिखा जी पीछे पीछे आंदा मेरी तोर बिंदा आई वे मेरे सोनिया अरे बोल के नहीं एक गा के सुनाओ तब मजा आवे माँ गा के पीछे पीछे आंदा मेरी टोर बिंदाइवे मेरे सुनियो बिंदा मेरा डांग वाचा
निकम मारदा आई वे अच्छे तना सर शेर लाते बाय बाय सर सब ने कुछ ना कुछ सुना या इससे भी कुछ सुनो ना एदा मुंह बंद ही रहन दे जे ए तवा वजन लग गया ना तो सब दी तूती बंद हो जानी है सर तूती तूती ओही तेरे री पुंगी 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 तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम तो बोलते ही नहीं हो मैं ही बोलती रहती हूँ नहीं नहीं तेरे मुंह तो जवान ही नहीं छोटी है साडे ही कान वजदे है सर आप दोनों की बातचीत से इस चीज का एहसास मुझे हो रहा है कि ये लड़की जिस सरदार जी के साथ में रूम शेयर कर रही है वो बदनसीबी से आप हैं जब हम पांडा फोटे गया तो हम पर्दा किड़ी गलता सच्ची गलता मैं ही आऊं बदनसीब कलम कला वन पीस सर मुझे अफसोस इस बात का है कि वो वन पीस मैं क्यों नहीं गुड आफ्टरनून सर की अभी थोड़े खान हूं सर ओए मु छड़ यार मुझे नहीं दस की किया और पनीर मसाला कबाब मसाला आलू मटर चना मसाला दाल फ्राई दाल बस एक तो दाल मखनी ले रोटियां ले दही ले जी ते कंगनी वाला ग्लास लस्सी ले कंगनी यार और कड़ी वाला ग्लास बट सर हमारे घर कड़ी ग्लास में नहीं मिलती सर ये लाती ओए मैं कड़ी नहीं मंगी जेड़ा तुम्हारे होटल सा तो बड़ा ग्लास है ना बड़े तो बड़ा ओदे विच लस्सी ले ओ राइट सर बड़े ग्लास में लस्सी हां ओके सर अभी ला अभी ले यार थैंक यू सर अक जो कैसी करे ब्रेकफास्ट बना के एक तो रात को इडली डोसे पता नहीं सुहा के जे की खिलाउंदी रहदी है सारी रात ढिड च पट पिया रहंदा आ बड़ी देर बाद पंजाबी खाना खाना इन दाल मखनी कह रिया बेटा मैं लगे आ मजा आ गया भी खाने का पंजाब का खाना पंजाब का ही है यार बिल सर कितने पैसे हो गए भाई ओनली 5760 बस यस सर खाना अच्छा सी थैंक यू सर क्या हुआ सर मेनू लग रहा मैं जो बाजार चो आ रहा सी मेरा किसी ने पर्स काट लिया पर्स यानी कि आप ये बिल पे नहीं कर सकते पर्स नहीं आएगा मैनेजर साहब सरदार जी बिल नहीं पे कर रहे क्यों सरदार जी पैसे क्यों नहीं दे रहे हो क्या आपकी जेब कट गई है तुम्हें क्या पता जी तुम्हारे जैसे शरीफ बदमाश यहाँ बहुत आते हैं अच्छी तरह खाना खाने के बाद यही कहते हैं मैनेजर साहब धर्मिया गल सच करके जाने देख लो मेरा पर्स खा लिया है ही नहीं कुछ मेरे को जी ऐसे आदमी हमेशा यही डायलॉग बोलते हैं उनके लिए हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं किड़े रास्ते एक तो पुलिस स्टेशन तो मतलब थाना मैनेजर साहब कि गल्ला करते हो थाने का मुंह तो मेरे कहते खानदान ने नहीं देखा तुसी कोई दूजा रास्ता दसो बाहर जाने वाला दूसरा वर्दी वर्दी केड़ी वर्दी वेटर की वर्दी वेटर की वर्दी वर्दी पहनकर काम पर लग जाओ शाम को 5 बजे तक तुम्हारा बिल पूरा हो जाएगा मैनेजर साहब तुम मैं समझ आ गया मैं वेटर की वर्दी पाऊंगा मैं स्कूल से पंजाबी टीचर लगा हां टीचर हां हमारे लिए तो तुम फटीचर हो तुम्हारे लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं या वर्दी पहनो या पुलिस को बुलाओ नहीं 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 पुलिस को ना बुलाओ मैं बदनामी हो जाती है वर्दी किथे है ले जाओ इसे वेटर की वर्दी पहना देना राइट सर चल बे आ जा मेरी बिरादरी स्टूडेंट सारे इतने बैठे हैं अज पत्थर पाऊ निकलू मेरा जलूस चंगी तरह सामने अरे तुम यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो जाओ भाई ऑर्डर लो इतने कस्टमर आए हुए हैं
यार गल भी किचन च मैं अंदर काम कर लेना ते बाहर ऑर्डर लेने वाला काम तुसी नु भेज लो तुम और किचन में हाँ। अरे ना बाबा इधर बहुत भीड़ है बहुत लफड़ा है तुम संभालो इधर मैं जाता है आज मैं अपने दिल की गल तड़ी पंजाबी भाषा में करूंगा मैं नहीं मन तो सुन आज मैं तेनू पूरी तरह टेड भर के खाना खिलावांगा टेड नहीं टेड वही टेड है टेड 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 ओ यार वही यार टेड ऑर्डर प्लीज ऑर्डर चिकन चिल्ली चिकन टिक्का बिरयानी फिश करी गोलंडा और सलाद पापड़ सापड़ जापड़ ऐसा कुछ सब कुछ लेकर आओ और हमारे ये सोनी और हीरे के लिए एक फर्स्ट क्लास टूटी फ्रूटी आइसक्रीम ठीक है जल्दी से ले आओ थैंक यू है ना वेलकम ये वेटर बड़ा अच्छा है हमारा टीचर भी हमें इसी तरह रोकता है रोकता नहीं टोकता है वही है तुम मुझे यहाँ किस लिए लाए हो मैं इस वास्ते लाया जी क्योंकि मैं एक जरूरी बात करने का है मैं तेनु बहुत प्यार करती है तेरे बगैर जी नहीं सकती और तू तो कमाल कर दी मैं कभी सोच भी नहीं सकता थी कि तू ऐसी सोनी पंजाबी बोलेगी एक कमाल मेरे नहीं साढ़े मास्टर जी का साढ़े नहीं साढ़े ऑर्डर प्लीज हाँ दो कोटिंग लाना थैंक यू सर हुन सानू शादी कर लेनी चाहिए जूली मेरा नाम जूली नहीं हुन तो मेरा नाम जसबीर कौर हैगा तू मैनु वादा कर तू कभी मैनु जूली नहीं बुलाएगा जसबीर कौर वध तो वध जस्सी पर ऐ मेरी गलत जवाब नहीं संजय मैंने सोच लिया मैं जब पंजाबी सीखूंगी ताई मैं शादी करूंगी ओए खुश की ताई ये क्या लापरवाही है असली मुसीबत होने आई है क्या मतलब 57 रुपए 60 पैसे पीछे तुसी चंगे भले मास्टर नु वेटर बना के रखता कोई गल नहीं आधा घंटा रह गया मेरे याद होने च आधा घंटा नहीं डेढ़ घंटा ओ कितना ये सब जो तुमने तोड़ा है उसके 40 रुपए अलग से अपने हिसाब में जोड़ लेना जाओ मेरे साथ बाहर लो हां जी मैडम की चाहिए ये बेसुरी सी आवाज कहां से सुनी हुई लगती है वेटर ओ वेटर यस मैडम कैन आई सी योर फेस प्लीज लकी सर मिस्टर चतर सिंह तुम और यहां मुझे अब पता लग ही गया ना तब बड़ी चौड़ी होने की लोड़ नहीं है मेरे हाथ पे टस्क का अरे यार पार्ट टाइम जॉब करना ही था तू अच्छी नौकरी ढूंढ दे ये क्या वेटर शा माफ रे नक कटाऊं ते ती फिरे नक कटाऊं ओ मैं बिल चुकाउण दा मारा इत्थे फसया पता तैनु सजेशन देण दी पई हुई आ मेरे तन मेरे पे 60 पैसे दे दे ते मैनु इत्थों कड आपां खाए चड़ी एस्टिमेट कर लांगे है ना अरे वाह मैं क्यों तो तुम्हारे पैसे मुझे तो बड़ा मजा आ रहा तुम्हें ऐसे देखकर मजा कट ले ते मेरे हाल ते तस बात खा मेरे इत्थे स्टूडेंट इत्थे बैठे ने सच तुम्हारे स्टूडेंट्स है का 10 स्टूडेंट्स तो की सलामी लेनी है मेरी इत्थे पत लगी होण वाली आ कौन लगी हो गई मेरा मतलब मेरी पत मेरी इज्जत लगी होण वाली है ओहो अपनी इज्जत की फिक्र मत करो मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगी तुम्हारा बिल भी भर दूंगी और तुम्हें फर्स्ट क्लास टिप भी दूंगी लेकिन एक अच्छे वेटर की तरह तुम मेरे लिए ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ मैं तेनु घर जाके शिकंज भी पिला दूं तू मेनू उठो कट पैसे दे के ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो यस मैडम तुम्हारे साथ रहा तो मैं धीरे धीरे होले होले पंजाबी सीख जाऊंगा तुमसे शादी करूंगा और पंजाब में तुम्हारे हाथ की मक्के की रोटी सरसों का साग खाऊंगा अब आया है वो पहाड़ के नीचे ये क्या है स्ट्रॉ का है जल्द चालू करा पीना पीला मैं ऊपर डोल देना स्ट्रॉ बने लगता है अच्छा अच्छा ठीक है ये जो गिरा है ये तो पहुंच लो ठीक है भाई जाओ जाकर मैनेजर को बुला के ला और बिल भी लेकर आना मेरा भी आगे कहिए मैडम कहना क्या है जी आपको शर्म आनी चाहिए
आपको पता है आपने क्या किया है? ये टीचर है टीचर, और आपने टीचर को बेटे की वर्दी पहना दी। इनके पैसे मैं दूंगी, बताइए कितना बिल हुआ है। इनका आपका बिल मिला दे 108 रुपए 60 पैसे बस। नो प्रॉब्लम, मैं भी दे देती हूँ। 108 रुपए के लिए एक आदमी को वेटर की। ओह माय गॉड, वो क्यों होगा तेरा बनू चतर सिंह? मैं तो घर से पैसे ही लाना भूल गई। सिरे लाती मैनेजर साहब, हुन एदे भी वर्दी पाल ले। हमारे यहाँ लेडीज सर्विस नहीं है। चलिए मैडम किचन में काम कीजिए चल के। मैंने कहा ना चलिए किचन में। हाँ मैनेजर, तू मेरी लाइफ पार्टनर, मेरा मतलब मेरी फ्लैट पार्टनर, तो भांडे में आउंदी सोच रहे हो? तेन पैसे चाहिए अरे हूं तो जी पत लगी होनी सी होएगा। हाँ डियर स्टूडेंट। सर आप वेटर? पिताजी मेरा मतलब है पापा का। बहुत माड़ा है ज्योति। चल कोई गल नहीं, हौसला रख, दुनिया से आना जाना तो लगे ही रहता। लेकिन इस तरह अचानक? बस उपर वाले काम अचानक ही होंगे। वैसे बंदा भागा वाला होंगे जो अचानक जाता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तो यही पूछ रहा था, पापा जी बीमार ठमार से अचानक हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो उनके दुश्मनों को? ओ चता, मैं तो तुम्हें ये बताना ही हूँ कि तार में लिखा है कि पापा मेरे पापा ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि उनकी बेटी गैर मर्द के साथ रह रही है। क्यों गैर मर्द खुरक पई है? ओहो चतर, तुम नहीं समझोगे। तुम एक जवान लड़के, मैं एक जवान लड़की, चाहे हमारी दोस्ती गंगा जल की तरह पवित्र हो, पर यू नो पापा। हाँ ये तो है, वैसे पापा ने शक जरूर पै सकती है। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाओ। तेरा दिमाग खराब होया? ऐस वेले मैं कदे कठे हूँ चल जावा? तुम कहीं भी जाओ, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन पिताजी के आने से पहले पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अगर पिताजी मुझे लखनऊ लेकर चले गए तो मेरा जो अरमान है कुछ बनने का, अपने पैरों पर खड़े होने का, वो एक अरमान ही रह जाएगा। चपा ए अरमान बने तेरे भांडे च, तेरे पिछे मैं धरती की निकल जाए, आसमान च उड़ जा, और बंदे नू सिर च पाउण लई किते छत दी लोड़ तां हुंदी आ। घंटी बज गई। घंटी? हे भगवान, ये कहे पिताजी ना हो, और अगर है भी तो मैं तुम्हारा गया हाथ जोड़ती हूँ चतर सिंह, मुझे लखनऊ जाने के लिए मजबूर मत करना। ओ तू देखता सही शायद कोई हो रही हुए। भगवान करे ऐसा ही हो। देख दे हेलो बेटा। पापा कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। भाई तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ पापा, मैं आपसे एक बात तो कहना भूल ही गई। क्या? मुझे बहुत जल्दी एक अच्छी सी नौकरी मिलने वाली है। नौकरी की क्या जरूरत है, इतना पैसा है अपने पास, क्यों भटक रही हो यहाँ पर? पापा देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मुझे कुछ बन के दिखाना आपको। बहुत जिद्दी हो अपने बाप की तरह। शास्त्री का बेटा, ये क्या है? ये पापा वो ये बाया है। बाया? ये क्या बेटों का सा नाम है? मैं कुछ समझा नहीं। पापा जैसे अपने लखनऊ में घर में काम करने वाली औरतों को बाई कहते हैं ना, वैसे ही बॉम्बे में जो घर में काम करते हैं ना, उन्हें उन मर्दों को बाया कहते हैं। घर में काम करने के लिए रखा हुआ है वो भी नौजवान मर्द? क्या करती पापा, यहाँ बॉम्बे में बाइयों का बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे और कोई नहीं मिला तो मैंने इसे बाया रख लिया। हाँ चलो ठीक है, मैं एक बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा दिमाग रईसाना है। घर में छोटे मोटे काम के लिए नौकर रखा हुआ है। पर ये इसका हुलिया क्या है, तुमने ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं? अरे लाती, तीनों छोटा कच्छा पसंद नहीं, प्यो नू बड़ा पसंद नहीं। मैनू सिखाण दी लोड़ नहीं, मैं जिंदगी भर पंजाबियां विच रहा है, समझा के नहीं? तू मैनू साफ क्या कर। अच्छा पापा जी, फिर पापा जी अच्छा साफ इतना गुस्सा मत कीजिए पापा,
बड़ा शरीफ आदमी है। वो बेटा शरीफ तो कुछ ये जरूर से ज्यादा ही है, लेकिन मुझे इसका कच्चा अच्छा नहीं लगता। प्लीज। अच्छा अरे तुम्हारा नाम क्या है? सरदार चतर सिंह। सरदार चतर सिंह चतरे? चतरे नवा ही नाम रख लिया। चतरे नहीं जी, चतर सिंह। चतरे, हमको बहुत भूख लगी है, जाकर रसोई में देखकर आओ खाने के लिए क्या है। की किया खाने? की किया खाने? उंगली पुछल दिया है, तनी नहीं पता। पापा इसकी गलती नहीं है, सारा बाजार मैं लेकर आती हूँ ना, इसे क्या पता बेचारे को। चतर सिंह, किचन में ब्रेड और अंडे रखे हैं। अंडे? चतरे, 6 अंडे की शानदार भुर्जी बनाकर लाओ, जल्दी फौरन। अरे खड़े हो पापा, भुर्जी तो ये ऐसी बनाएगा, ऐसी बनाएगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चतरे जाओ ना यहाँ से, जल्दी करो, झाड़ू फेंक के। कोई बात नहीं पापा। पापा आप प्लीज ऐसे इतना गुस्सा मत कीजिए, अगर ये भाग गया ना पापा तो मेरी बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। दुखी करके रख लिया ठीक है जी। एदा दी प्यो ना भी सरे आ, कोई गल नहीं, मैं तां बनाऊं इही जी भुर्जी कि उंगलियां चटनियां तां एक पासे, जे कट्टण ना लग्या तां मैनूं चतर सिंह किहने कहना। ये होर मिर्चां पा दवां थोड़ियां जिहियां। मैं इहनूं दसदा नाले कि चतर सिंह नूं चतरा किवें कहीदा। दुखी करके रख लिया, चंगे भले मास्टर तो दस की काम कराने लगे हुए ने। रब्बा हम पुत नाले खाई ते नाले याद करी, कैले चतरिया सारा ढेड़ गया। वो मैं क्या बढ़िया मसालेदार चीजा बनिया हुई है, खुशबू ते खुशबू आ रही है। वो चतुरु है ना चतुरु, वो मेरे लिए अंडे की भुर्जी बना रहा है। चतुरु? पहले इनसे तो मिलिए, ये मेरे वो मैंने पता तेरे पिताजी है, मेरे नीचे मिल के आए हुए हैं। नीचे मुलाकात हो चुकी है, तुम्हारे लैंडलॉर्ड है मेहरचंद जी, बहुत ही अच्छे आदमी। मैं क्या भाई साहब सारी लड़की तो दोनों बंदे चंगे मिले हैं, लैंडलॉर्ड भी चंगा मिल गया, मुंडा भी चंगा मिल गया। मुंडा? अरे अपना चतुरु पापा, चतुर सिंह मुंडू। अपना चतुर सिंह चतुरु चतुरु। अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 भाई हरिया मिर्च का स्वाद होंगे वो अपनी जगह ही होंगे। क्या बात है, हम बन गई भुर्जी। औखा हो कहता सी मैनू पापा ही ना कह, हूँ पता लगू। खुशबू तो बहुत अच्छी है, अब स्वाद कितनी है ये खाने के बाद मालूम पड़ेगा। मैं कह जी चतुर में तेरे जी स्वाद ही बढ़ाऊंगा। मिर्चन जी मैं जरा मिर्ची ज्यादा खाता हूँ, थोड़ी डाल लो। आप लोगे? नहीं पापा मैंने तो अंडा खाना चाहिए। अच्छा मिर्चन जी हो जाए फिर। बड़ी स्वाद बनाई सत्र तू। पापा जी तुम्हें भुर्जी स्वाद लगी है? भाई वाह हां चतरे, तू तो भुर्जी बना के मैनू मेरी स्वर्गवासी मां याद दवाती है। हां कमाल लग गया सरेला उसी,
ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਈ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਯਾ ਖਾਧੀ ਸੀ ਬੀਜ ਦਾ ਹੱਥੀ। ਚਤਰੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਭੁਜੀ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਖਨਊ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਰੇ ਆਪ ਯਹਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਢੂੰਡੂ ਛੂ। ਚਲੀਏ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਬੇਰਚੰਦ, ਆਪਕੇ ਹੱਥ ਕਾ ਖਾਣਾ ਤੋ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਆਜ ਇਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਚਤਰੇ ਕੇ ਹੱਥ ਕੇ ਅੰਡੇ ਕੀ ਭੁਰਜੀ ਖਾਣੇ ਦੀਜੇ ਨਾ। ਲੀਜੇ ਲੀਜੇ। ਚਤਰਾ ਚਤਰਾ, ਉਹ ਚਤਰਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਚਤਰ नौकर? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किसी की शराफत का इतना भी नजायज फायदा नहीं उठाया जाता। अरे चतर सिंह कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप एक पढ़े लिखे टीचर को नौकर बना देंगे। आप शायद ठीक कहती हैं पापा, ये मेरे नौकर नहीं है बल्कि मेरे फ्लैट पार्टनर है मिस्टर चतर सिंह। भक्ति हो तुम अकेली एक घर में एक जवान लड़के के साथ? मैं कदे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओ मैं क्या भाई साहब, ये सुनू की इतराज नहीं चाहिंदा, ये बंबई है ते इत्थे जगह दी बड़ी दिक्कत है। अगर एक मुंडे दे कुड़ी दा दिल साफ है और वो किराए नूं शेयर करदे है तां मेरा ख्याल किट्ठे रह सकदे है कोई। सही बात है, एक लड़का और लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, और ये जरूरी तो नहीं कि हम उन्हें बुरी नजर से देखें। मुझे किसी पर शक नहीं है क्योंकि मुझे अपनी बच्ची पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी जवान बच्ची किसी गैर मर्द के साथ एक ही मकान में रहे। ज्योति अपना सामान बांधो, हम आज ही रात लखनऊ वापस जा रहे हैं। पर पापा मेरी जिंदगी का मकसद। शट अप, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। उठाओ अपना सामान और चलो मेरे साथ। जी पापा। ज्योति तेरे नाल इत्थे मैं इन्ने दिन रह के ये जान लिया कि तेरे मन विच किन्नी रीझ है कि तू सेल्फ मेड बने, अपने पैरों ते खलो के जग ते एक मिसाल बने कि अज दी औरत मर्द नालों किसी भी फील्ड विच घट नहीं, ते तेरा ये अच्छा ते सच्चा सुपना सिर्फ इस करके दूरा रहे कि तैनू मेरे नाले फ्लैट शेयर करना पै रहा। यह मैं कदे नहीं चाहूँगा ज्योति, कदे नहीं चाहूँगा। मैं ही घर छड़ के चला जाना, मैं तो मर्द हाँ, प्लेटफॉर्म से भी सौ के टाइम पास कर सकता, पर तू तो कुड़ी है ना, इस करके तू इस फ्लैट च कली रहे। मेरिया शुभ इच्छावां तेरे नाल ने कि तू अपने मकसद में जरूर कामयाब होवे। चतरे, यानी कि सरदार चतर सिंह तू यही रहेगा बेटा। शायद मैं ही गलत था, जो इंसान मेरी बेटी के इरादों को अच्छी तरह समझ सकता हो, उसके लिए शुभकामनाएं करता हो, दुआएं करता हो, उससे अच्छा दोस्त और उससे अच्छा रखवाला उसे और कौन मिल सकता है। ज्योति बेटा, तुम चतरे के साथ इस फ्लैट को शेयर कर सकती हो, मुझे कोई इतराज नहीं। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। लवी भागवान ने मैं तो तेरी सारिया का आर्डर कैंसिल करने लग्या सी। कैम मगर लै भाई, मकान खाली हो चलिया। चतरे, यानी के चतर सिंह जी, हमने आपकी सब बात मान ली, अब हमारी एक बात मान लीजिए। केड़ी? ये कच्चा बदल दीजिए। सरे लाती पापा जी।